A very good afternoon, everyone. So today we are going to continue with the next chapter of your business environment. Environment में दो ही chapter है. 7 हमने कर लिया. आज हम लोग कौन सा करेंगे? Chapter 8. ठीक है? Yes. Chapter 8 क्या है मेरे को बताओ? Key government institution. So today we are going to discuss about key government institution. Very interesting chapter. इस chapter में हम लोग क्या-क्या discuss करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नीति आयोग. आपने सुना है नीति आयोग के बारे में? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेबी के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीए के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है बहुत सारे क्या चीज का, एक्ट्स का. कंपनीज एक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है? एमसीए. कॉम्पिटिशन एक्ट, एमसीए. समझ मा रहे? एंड मेनी ऑफ द ऑफिसर्स आर अफिलियेटेड अंडर एमसीए. हैव यू हर्ड अबाउट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? हैव यू हर्ड अबाउट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? ठीक है, तो ये सब किसको अफिलियेटेड है? एमसीए को. तो ये सब हमें डिटेल में डिस्कस करना है. आज के क्लास में हम लोग क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे? सेबी के बारे में और आरबीआई के बारे में. तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट इजिएस्ट वन, जो आप लोग शायद पहले कहीं पढ़े भी होंगे, आरबीआई. इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम बताओ क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम बताओ क्या है? आरबीआई. आरबीआई का फुल फॉर्म बताओ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपको पता है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं. लाइक इफ आई टेल यू, फॉर एग्जांपल, यूएसए का सेंट्रल बैंक का नाम बताओ क्या है? फेडरल रिजर्व. स्विस बैंक, कुछ भी बोलते हो, फेडरल रिजर्व. चाइना का क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना. नहीं पता. यूरोप का क्या है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक. याद रहेगा? अभी तो ये सब पूछता है इसलिए मैं बता रही हूं. अलग अलग कंट्रीज में ये चार पांच कंट्री का पूछता है, चाइना का, यूरोप का. कंट्री में अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड का अलग से पूछ लेता है, या फिर इंडिया का तो आपको पता ही है क्या है? आरबीआई. यूएसए का क्या है? फेडरल रिजर्व. चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना. इंडिया का क्या है? आरबीआई. इंग्लैंड का क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड. यूरोप का क्या है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक. समझ में आया? तो अलग अलग जगह का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है क्या? हाँ. सेंट्रल बैंक होता कौन है भाई? कमर्शियल बैंक्स के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है. हम कौन है? आम आदमी. हम आरबीआई से नहीं डील करते हैं. हम किससे डील करते हैं? कमर्शियल बैंक. क्या आपका सेविंग्स अकाउंट है? क्या आपका करेंट अकाउंट है? क्या आपका एफडी भी है? इतना सारा करके रखे हो वा? तो ये सारे अकाउंट्स किससे मेंटेन करके रखे हो? कमर्शियल बैंक. बताओ ना सबका कहां कहां पे बैंक अकाउंट खुला हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक. द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट? एसबीआई. तो ये अलग अलग जगह अपने बैंक खोल रखे हैं अपने. तो ये सब क्या हो गया? कमर्शियल बैंक. ये सारे कमर्शियल बैंक के फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट करके रखा है? आरबीआई. कमर्शियल बैंक कैन बी मेनी, बट आरबीआई सेंट्रल बैंक कैन बी ओनली वन. समझ में आया? तो आरबीआई क्यों फॉर्म किया गया? व्हाई वाज आरबीआई फॉर्म? टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ व्हाट बैंक्स? कमर्शियल बैंक. किसको रेगुलेट करने के लिए? कमर्शियल बैंक. आरबीआई एक्ट पास हुआ, फिर उसके बाद आरबीआई एज अ बॉडी एस्टैब्लिश हुआ. आरबीआई एक्ट वॉज पास इन द ईयर 1934. आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 1934. RBI as a body was established 1 year later on April Fool Day, 1st of April 1935. So RBI as a body kab establish hua? 1st of April 1935. RBI Act kab pass hua? 1934. RBI form hi kyon hua? To regulate the functioning of the commercial bank. Jab RBI establish hua tha na, uska head office Calcutta mein tha. Where was the head office of RBI initially? Calcutta. Later on, it got shifted to Mumbai. And where is the present head office of RBI? Mumbai. In which year was it shifted? Do you know that? Very good. 1937. Ye bhi poochta hai exam mein. RBI ka head office Calcutta se Mumbai kab shift hua? Which year? 1937. Ab dhyan se sunna. RBI jab bana tha na, it was a private organization, private institution. Then it got nationalized. सारे के सारे शेयर्स कौन ओन करते हैं इसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
the control was transferred to the government of India. So the next date which comes in your exam, when was RBI nationalized? In the year 1949. So RBI ka nationalization ka date kya hai? 1949. RBI got nationalized in which year? 1949. ठीक है, तो ये सारे डेट्स आपको याद रहेंगे. मेरे को बताओ कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई. आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 1934. आरबीआई इज अ बॉडी कब एस्टेब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935. आरबीआई का हेड ऑफिस पहले कहां था? अभी कहां पे? शिफ्ट कब हुआ? 1937. नेशनलाइज किस साल में हुआ? 1949. आरबीआई को गवर्न कौन करता है? गवर्नर, हु इज अ सेंट्रल ऑफिसर ऑफ आरबीआई. And the present governor of RBI is Shakti Kanta Das. Who is the present governor of RBI? Shakti Kanta Das. He is the present governor of RBI. याद रहेगा ये सब. RBI का हम लोग function discuss करेंगे. It is a central bank of India क्या? Yes. It has got many function. So what are the functions of RBI? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई का है इश्यू ऑफ करेंसी नोट. नोट छापने का मशीन किसके पास है? आरबीआई. जो नया नया नोट आप देखते हो ना, एकदम कड़क नोट 2000 रुपए का ब्रांड न्यू, कहां से छप कर आया? आरबीआई. क्या खाली मैम आरबीआई कर सकता है कि? ऑब्वियसली हाँ. कमर्शियल बैंक डज नॉट हैव दिस पावर. आरबीआई हैज अ पावर कि वो इश्यू कर सकता है नए नए करेंसी नोट्स को, एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन. छोटे मोटे जो करेंसी होते हैं ना, 1 रुपए का सिक्का है क्या आपके पास? 5 रुपए का सिक्का, ये सब आरबीआई बोलता है ना मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, हम नहीं इशू करेंगे. दीज आर बीइंग इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आरबीआई ये सब इशू नहीं करता. तो आरबीआई का पहला फंक्शन मैंने क्या बोला बताओ? इशू ऑफ क्या बोला? करेंसी नोट. ठीक है, एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ क्या? स्मॉलर डेनोमिनेशन. नेक्स्ट फंक्शन ध्यान से सुनना. आरबीआई जो है, हमारा बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई. समझ में आ रहा है? यानी कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक को भी लोन लेना पड़ सकता है क्या? हाँ. तो किसके सामने जाएगा? आरबीआई. आरबीआई फ्री में देगा क्या? क्या लेगा? इंटरेस्ट. जैसे कमर्शियल बैंक तुमसे इंटरेस्ट लेता है, आरबीआई किससे लेता है? कमर्शियल बैंक. सो कैन आई से आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक? अब इसी से और एक चीज याद रखना, आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. व्हाट डज दिस मीन? जब सारा दरवाजा बंद हो जाता है और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है कौन? कमर्शियल बैंक. तो किसके सामने जाकर हाथ फैलाता है? आरबीआई. और आरबीआई क्या उसको लोन दे देता है क्या? हाँ. तो सबसे लास्ट रिसोर्ट कौन है? आरबीआई. किसका? कमर्शियल बैंक का. So who is acting as a lender of last resort? RBI. कोई डाउट है यहां तक? अब ध्यान से सुनना, हम तो ठहरे आम आदमी, हमारा बैंक कहां है? कमर्शियल बैंक. हमारा ट्रांजेक्शन किससे होता है? कमर्शियल बैंक. इंडिया का महान आदमी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. महान आदमी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन है? आरबीआई. यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना अकाउंट खोल के रखता है, वो कहां खोल के रखता है? आरबीआई. हम जो आरबीआई के सामने अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट कौन मेंटेन करके रखता है? आरबीआई. सो कैन आई से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक? बैंकर बैंक तो हो चुका है. इट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट्स बैंक. क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट्स बैंक. तो दो जन का बैंक है, कमर्शियल बैंक का भी है और गवर्नमेंट का भी है. और करेंसी नोट भी इशू कर रहे हैं क्या? हाँ. एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन. अब ध्यान से सुनना, सपोज करो तुम एक्सपोर्टर हो, तुम बहुत सारा गुड्स ना यहां बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करती हो. यूएसए से तुम्हारा टाई अप है, एक यूएस कंपनी है, फाउंड है तुम्हारा, मतलब ही इज रियली फाउंड ऑफ योर गुड्स व्हिच यू आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग. तो यूएसए आपको क्या चीज में पेमेंट करेगा? डॉलर में क्या? नॉर्मल में. यूएस डॉलर में करेगा ना? अरे अपना करेंसी में करेगा ना. तो अब गवर्नमेंट ना बहुत खुश है, बहुत सारा यूएस डॉलर लेकर आ रही है, ये भी बहुत खुश है, हम भी बहुत सारा घर में यूएस डॉलर लेकर जा रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट बोलेगा रुक जाओ, तुमको अभी घर में नहीं जाने देंगे, सारा यूएस डॉलर मेरे को दो. अरे ये तो मेरा कमाई का इनकम है, आप कैसे ले रहे हो? आपको शर्म नहीं आता? मैंने बनाया, मैंने बेचा है, अमेरिका खुश होकर मेरे को डॉलर दे रहा है, ये भी तुमको चाहिए? टैक्स तो दे ही रहे हैं. नहीं, ये यूएस डॉलर भी मुझे चाहिए. तो मुझे क्या मिलेगा बदले में? इंडियन रुपी. यानी आपको पता है ना,
आपको अलाउड नहीं है घर में यूएस डॉलर वगैरह रखना. देर इज एन एग्जेम्पशन लिमिट बियॉन्ड विच यू कैन नॉट कीप एनी डॉलर एट योर होम, विच इज इक्विवेलेंट वैल्यू आई थिंक 20,000 रुपया के आसपास आपको रखना अलाउड है घर पे. उसके ऊपर अगर आप डॉलर वगैरह रख के रखते हो और पकड़े जाते हो, अंदर सीधा. समझ में आया? अनलेस यू प्रूव कि नहीं ये अभी मतलब आप घूमने वगैरह जा रहे हो इसलिए लिए हो या कोई रीजन है इसके पीछे. अदरवाइज जितना भी फॉरेन प्रोसीड आता है ना आपको उसको सरेंडर करना पड़ता है किसको, आरबीआई को. और रिटर्न में आरबीआई क्या दे देता है, इंडियन रुपी. यानी आरबीआई के पास अलग अलग देशों का करेंसी होगा क्योंकि आपके पास तो करेंसी रखना अलाउड ही नहीं है. तो जब भी इंडिया का कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी लेकर आता है तो उसको सरेंडर करना पड़ता है किसको, आरबीआई को. सो कैन आई से आरबीआई इज एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो अगला फंक्शन क्या हो गया, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. कौन एक्ट कर रहा है, आरबीआई. अब ध्यान से सुनना, इसके अलावा आरबीआई को और क्या फंक्शन है. क्लियरिंग हाउस एजेंट फंक्शन जानते हो, क्लियरिंग हाउस एजेंट फंक्शन क्या होता है. आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट. नॉट इज इज क्लियरिंग हाउस. फॉर एग्जाम्पल ये ना एग्जीक्यूटिव में रैंक वन लेकर आ गई, मैंने इसे चेक काट कर दिया 5,000 रुपए का, समझ में आ रहा है, इनाम के तौर पर. ठीक है, दिस अ टोकन ऑफ ट्रिब्यूट रेस्पेक्ट टू हर रैंक. तो अब मैंने इसको आईसीआईसीआई का जो है चेक काट कर दिया क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में है और है रियल में. लेकिन ये तो बोली ना इसका एचडीएफसी में, बोली ना ये एचडीएफसी में. तो अब आई अच्छा बड़ौदा बोली, एचडीएफसी कौन बोला, बड़ौदा में. चलो तो अलग अलग है ना, तुम्हारा आईसीआईसीआई में तो है नहीं, बट मैंने तुमको चेक क्या चीज कर दिया, आईसीआईसीआई का. तुम क्या बोलोगी, नहीं मैम बड़ौदा का दीजिए, कि ये वाला जो चेक है बड़ौदा ले लेगा. अब चेक का ये क्या करेगी, चेक को इनकैश करवाएगी ना, ये अपने अकाउंट में डलवा देगी ना. तो क्या ये आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट का चेक मेरे से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट कर सकती है? हाँ कर सकती है. अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पास क्या चीज का चेक आ गया, आईसीआईसीआई बैंक का. तो अब होता क्या है ना, हर वीकेंड संडे या सैटरडे इन लोग मिलते हैं सारे बैंक आपस में और सेटलमेंट करते हैं, इंटर सेटलमेंट कंफर्म करते हैं बैलेंस और पेमेंट. क्या ये पूछा जाएगा, फिर क्या होगा ना, बड़ौदा का रिप्रेजेंटेटिव और आईसीआईसीआई का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा. बड़ौदा कंफर्म करेगा आईसीआईसीआई से तुम्हारा चेक है क्या, वो बोलेगा हाँ मैंने इशू किया था. तो क्या बोलेगा, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट का जो कस्टमर है उसका बैंक बैलेंस क्या कर दो, डेबिट. और बड़ौदा बैंक में क्या कर दो, क्रेडिट. तो इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म. तो दोनों के बीच के बैंक का, दोनों तीनों, ये तो दो बैंक मैंने बोला, ऐसे कितने सारे बैंक मिलते होंगे, तो सब एक जगह मिलकर क्या करते हैं, इंटर सेटलमेंट ऑफ चेक्स करते हैं. तो ये फंक्शन को करने में कौन एनेबल कर रहा है, आरबीआई. और आरबीआई आजकल ये सब ऑटोमेट कर दिया, ह्यूमन बींग्स का दरकार नहीं है. तो ये सबको रेगुलेट कौन करके रखा है, आरबीआई. इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म. सो आरबीआई इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट. तुम्हारे एडवाइजर कौन है, एज एन आम आदमी. तुम मान लो आईसीआईसीआई में अपना अकाउंट खोल रखी हो, तुमको शेयर वगैरह खरीदना है, डीमैट अकाउंट खुलवाना है, कौन एक्ट तुमको एडवाइस देता है. नहीं देखते हो बैंक वाला कॉल करके तुमको बोलते रहता है, अगर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवा के रखे होगे तो आए दिन फोन आते रहता है, मैम ये वाला शेयर का नया आईपीओ आया है बहुत फायदा होगा खरीद लीजिए, ये वाला शेयर बेच सकते हैं आप, अभी फर्दर शेयर का प्राइस गिरने वाला है, कोई बहुत बड़ा एफडी आया है, इन्वेस्टमेंट पड़ा है लगा दीजिए. ऐसे फोन नहीं आता क्या कभी तुम लोग को, अच्छा खासा अगर अमाउंट वगैरह होगा तो आएगा, अब अगर 8-10,000 रुपया रख के रखे होगे तो नहीं आएगा ना, तब थोड़ी तुमको फोन कर करके बोलेगा. लोन लेने के लिए तो आता ही होगा कोई बैंक से, इंटरेस्ट रेट अच्छा है ले लीजिए आप, कम रेट में मिल रहा है, या कार लोन ले लीजिए, हाउसिंग लोन ले लीजिए, कुछ तो फोन आता होगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि. हाँ तो इन लोग क्या है, दे आर एक्टिंग एज योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दे आर एक्टिंग एज योर फाइनेंशियल एडवाइजर. समझ में आ रहा है, कुछ भी नया नया चीज आता है ना तो इन लोग आपको बताएंगे, अगर आपका लमसम अमाउंट वगैरह जो है जमा है बैंक में, दे विल एक्ट एज योर फाइनेंशियल एडवाइजर. और कितना बार हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं देके रखते हैं बैंक को कि मेरा बिल ना आप लोग पे कर देना, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, इतना तारीख को पेमेंट होता है मेरा बैंक अकाउंट से करवा देना. तो दे आर एक्टिंग एज योर एजेंट ना, नहीं सुना ये सब, एजेंसी सर्विस ऑफ कमर्शियल बैंक. सो दे आर पेइंग द बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट. ऑब्वियसली आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है ना, कलेक्ट द डिविडेंड ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. आपके बिहाफ पे लोग डिविडेंड भी कलेक्ट कर लेते हैं आपके बैंक्स लोग. तो ये तो आपके लिए कर रहे हैं, कौन कर रहे, कमर्शियल बैंक. दे ऑल्सो एक्ट एज योर ट्रस्टी, पता है ये सब. तो वैसे ही महान आदमी का एजेंट कौन होगा, आरबीआई. कमर्शियल बैंक का एजेंट कौन होगा, आरबीआई. तो आरबीआई किसका फाइनेंशियल एडवाइजर है, गवर्नमेंट का. सो आरबीआई एक्ट एज वॉट,
फाइनेंशियल एडवाइजर एंड एजेंट, किसका? आपका क्या, तुम्हारा आरबीआई एजेंट होगा क्या? किसका होगा? गवर्नमेंट का, एंड ऑल्सो फॉर अदर कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, क्रेडिट क्रिएशन किसका फंक्शन है? रमेश, कमर्शियल बैंक का। क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। मैम क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, थोड़ा बताएंगे क्या? हाँ बताएंगे, ध्यान से सुनना। कमर्शियल बैंक में आपने 500 रुपया जाकर डिपॉजिट किया, सेविंग्स था तुम्हारा 500 रुपया, चलो 5000 दिए थे ना तुमको, 5000 रुपया जाके जमा कर दी, कहां पे? बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या 5000 को चिपका के रखेगा क्या, कि ये इसका है, इसको रख के रखना, देना नहीं है? कि वो क्या करेगा, इसमें से कुछ रुपया डिपॉजिट्स काटेगा, विच इज कॉल्ड एज सीआरआर एंड एसएलआर रिजर्व, उसके अलावा बाद बाकी रुपया लोन में दे देगा। किसको? कॉमन पब्लिक को, जो भी आया, मिस्टर बी आया। तो मान लो इसमें से 10% काटा तो कितना रुपया बचा? कितना रुपया बचा? 4500 बचा। 4500 रुपया किसको दे दिया? बी को दे दिया ना। और फिर बी क्या किया, लेकर गया आईसीआईसीआई में, उसका बैंक आईसीआईसीआई में था, 4500 डिपॉजिट किया, फिर वो उसमें से 10% काटा, दैट बींग द सीआरआर, फिर वो कितना लोन दे दिया मिस्टर सी को, इसमें से 10% काट के कितना बचा? 4050, आई गेस 4050 बचेगा। तो ऐसे करके आप देख रहे हो ये 5000 रुपया कितना बार हैंड्स एक्सचेंज किया और कितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हो गया, कितना जन इसको यूज कर रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट क्रिएशन। कौन कर रहा है इसको? कमर्शियल बैंक, थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेंडिंग लोन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेंडिंग लोन। ये कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक। समझ में आ रहा है? लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल वर्ड का मतलब आप जानते हो क्या होता है? टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन इंडिया। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन एग्जाम। क्रेडिट क्रिएशन किसका टास्क है? कमर्शियल बैंक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ लोन। सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, नहीं तो पूरा डिटेल में बताती कैसे होता है। लेकिन क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। थ्रू टू प्रोसेस, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, विच इंक्लूड्स 4 पॉलिसी: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो बताओ चार चीज क्या क्या है? बैंक रेट, और बताओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और बताओ, सीआरआर, एसएलआर, और लास्ट वाला रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये चार ठो रेट्स है जिससे कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बताओ? महंगाई। महंगाई कब होता है? जब तुम्हारे हाथ में ना ज्यादा रुपया उछलता है, मालामाल हो रखे हो, और मालामाल हो रखे हो तो क्या करोगे? खर्चा करोगे? उड़ाओगे? उड़ाओगे मतलब क्या? डिमांड बढ़ाओगे? डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? इन्फ्लेशन। क्यों? क्यों? सप्लाई उतना नहीं है, डिमांड ज्यादा है, तो महंगाई नहीं होगा। अब गवर्नमेंट चाह रहा है ना ये सब नहीं हो, महंगाई वगैरह ज्यादा अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए, तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा है? तुम्हारे हाथ से रुपया को छीन लिया जाए। तो रुपया कैसे छीनेगा? आरबीआई इंस्ट्रक्ट करेगा कमर्शियल बैंक को, यार तुम लोग अपना ये जो लोन दे रहे ना इतना सस्ता सस्ता में, बंद करो, रेट बढ़ाओ बैंक का। बैंक रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक इज गिविंग लोन टू द कॉमन पब्लिक, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक। बात एक ही है, आरबीआई अगर रेट बढ़ाएगा लोन का फॉर कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक भी लोन बढ़ाएगा ना रेट का, किसके लिए? पब्लिक के लिए। समझ में आया? तो अगर बैंक रेट बढ़ रहा है तो अब कमर्शियल बैंक के लिए भी लोन क्या पड़ जाएगा? महंगा। तो ज्यादा लोन लेगा क्या? लोन नहीं लेगा तो देगा कैसे? पब्लिक को लोन नहीं देगा तो पब्लिक के पास पैसा आएगा क्या? पैसा नहीं आएगा तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिमांड चेक, परचेसिंग पावर रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन चेक्ड। खाली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना का मतलब क्रेडिट कंट्रोल नहीं होता है, ऑल्सो टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ रिसेशन। रिसेशन मतलब ना उल्टा हो जाना, मतलब आप बहुत डिप्रेशन में हो, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा का कमी हो गया, पैसा भी नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड करोगे क्या? चोरी थोड़ी करोगे? नहीं करोगे। परचेसिंग पावर भी नहीं है, तो अब आरबीआई चाह रहे ना कि आपके पास पैसा आ जाए, तो पैसा कैसे आएगा? रेट वगैरह गिरा देगा ना, तो अब इंस्ट्रक्शन देगा कमर्शियल बैंक को, तुम लोग अपना रेट गिरा दो ताकि कंज्यूमर लोग अट्रैक्ट हो, आकर तुम लोग से लोन ले, उन लोग के हाथ में पैसा आ जाए।
तो इस तरह से वो क्रेडिट को क्या कर रहा है, कंट्रोल यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, बैंक रेट। अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट क्या करिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि मोटिव क्या, आपके हाथ से रुपया छीनना है। रिसेशन में मोटिव क्या है, आपके हाथ में रुपया फेंक देना है, दे देना है, तो रेट को क्या करेंगे, गिरा दें। क्लियर है? तो खाली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना क्रेडिट कंट्रोल होता है क्या? नहीं, दोनों का एक्सट्रीम सिचुएशन को कंट्रोल करना, वेदर इट इज इन्फ्लेशन और इट इज रिसेशन। डिफ्लेशन मीन्स रिसेशन, ठीक है? तो बैंक रेट ये हुआ। नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन, एनीवन? पता है क्या होता है, आरबीआई को ना जैसे जैसे कमर्शियल बैंक बोलेगा ना, कमर्शियल बैंक को करना ही पड़ता है। कमर्शियल बैंक पूरा कठपुतली आरबीआई का, खुद कुछ नहीं कर सकता। तो पता है क्या होता है, जब इन्फ्लेशन आता है ना, आरबीआई क्या चाह रहा है कि इसके हाथ में पैसा बचे कि नहीं बचे? नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? पैसा नहीं बचेगा तो तुमको लोन दे पाएगा क्या? तो जानबूझ के आरबीआई क्या बोलेगा ना, मेरा सिक्योरिटी पड़ा है, तुमको खरीदना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए, तुमको लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। तो आरबीआई क्या कर, अपना सारा सिक्योरिटी बेच दिया। किसको? कमर्शियल बैंक। सिक्योरिटी मतलब शेयर, फ्री में तो नहीं बेचेगा ना। तो आरबीआई क्या दे दिया कमर्शियल बैंक को, शेयर। और कमर्शियल बैंक से क्या टान लिया, कैश। अब कमर्शियल बैंक के हाथ में क्या आ गया, शेयर। अब तुमको लोन में शेयर देगा क्या, और तुम लोगे क्या? समझ में आ रहा है? तो इसका लोन देने का कैपेसिटी क्या हो गया, गिर गया ना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो इन्फ्लेशन में आरबीआई जानबूझ के क्या कर रहा है, सिक्योरिटी को बेच दे रहा है। और रिसेशन में क्या कर रहा है, बाई बैक। रिसेशन में उल्टा कर रहा है, बाई बैक। रिसेशन में बोल रहे नहीं, तुमको पैसा का कमी है ना, तुम वापस से मेरा सिक्योरिटी मेरे को दे दो, हम खरीद लेंगे। और रिटर्न में हम तुमको क्या दे रहे, पैसा। तुम्हारे पास पैसा है तो अब तुम पब्लिक को भी क्या करेगा, पैसा दे पाएगा। तो इन्फ्लेशन अगर है तो आरबीआई विल सेल द सिक्योरिटी टू कमर्शियल बैंक, रिसेशन है तो आरबीआई विल बाई बैक द सिक्योरिटी। आर वी थ्रू विद दिस? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, ये सब करेंट अफेयर्स के लिए भी इक्वली वैलिड है। बोलो, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आता है आपको क्या कि नहीं आता, वो बताओ। जो बोला वो तो रॉन्ग बोला, उसके अलावा कुछ बोलोगे क्या? बोलू आप कुछ कि आप बोलोगे? हम तो बोलेंगे ही। कस्टमर आया मिस्टर एक्स बैंक के पास, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, 100 रुपया लेकर बोला, लीजिए 100 रुपया जमा करिए मेरा। बोला ठीक है कर रहे हैं। ये 100 रुपया हो गया प्राइमरी डिपॉजिट, ये 100 रुपया क्या हुआ बोलो, प्राइमरी डिपॉजिट। अब आईसीआईसीआई बैंक को कंपल्शन है 100 रुपया में से 18% कितना हुआ, 18 रुपया दे दिया आरबीआई को। किसको दे दिया, आरबीआई। किसको दे दिया, आरबीआई। 18 नहीं 4 कर लो, 4% किसको दे दिया बताओ, आरबीआई। समझ में आ रहा है? यानी 100 रुपया का 4% कितना हुआ, 4। क्या जरूरी है क्या आरबीआई को रुपया देना? हाँ जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक कीप्स विद आरबीआई विच इज मैंडेटरी टू कीप इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो, इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। तो 4 रुपया तो आरबीआई का तिजोरी में चला गया, अब ये लोन दे पाएगा क्या, ये वाला 4 रुपया? नहीं। बात बाकी, अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, इसमें से 18% यहां पे किसका लॉकर पड़ा हुआ था, दिखाई दे रहा है लॉकर, लॉकर में 18 रुपया लॉक कर दिया, लॉक्ड। किसका लॉकर है ये, कमर्शियल बैंक। किसका लॉकर है ये, कमर्शियल बैंक। ये लॉकर में 18 रुपया किस फॉर्म में रखा है, कैश में रखिए चलेगा। आपको अगर कैश रखने का इच्छा नहीं है ना, गोल्ड खरीद लीजिए वो भी चलेगा। गोल्ड भी नहीं खरीदना है मेरे को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लीजिए वो भी चलेगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इट हैज टू बी लिक्विड कैश, इट हैज टू बी लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इंटू कैश। तो या तो आप उसको कैश ही रखिए, लिक्विड ही रहेगा, या गोल्ड में करिए, गोल्ड इज इजिली सेलेबल। या फिर आप क्या करिए, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लीजिए।
either of the these three form, you can keep this 18 rupees in your tijori, which is owned by the commercial bank. The portion of the primary deposit which the commercial bank keeps with itself in the form of three liquid reserves, either cash, gold or approved government security, is called as SLR, statutory liquidity ratio. तभी तो नाम क्या है, स्टैटटरी यानी कंपल्सरी लिक्विडिटी. क्यों? क्योंकि ये लिक्विड असेट में रखा जाएगा. रेशियो. अब रिमेनिंग कितना रुपया बचा? 4% गया सीआरआर में, 18% गया एसएलआर में. कितना रुपया आप लोन में दे सकते हैं बताओ? 100 - 18 - 4 कितना बचा? 78 रुपीज बचा ना. अब ये 78 रुपीज वो क्या बोलेगा कि अब लोन में दे सकते हैं. पूरा 100 रुपया लोन में दे सकते हैं क्या? नहीं. अब ध्यान से सुनना, अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या चाहता है? ये रुपया कम हो जाए कि और ज्यादा हो जाए, लोन ज्यादा दे सके कि कम दे सके? कम. तो ये रुपया कब कम होगा? जब ये दोनों का रेट वो क्या करेगा? बढ़ा देगा. तो इसलिए इन्फ्लेशन में क्या होता है? सीआरआर एसएलआर राइजेस. और रिसेशन में क्या चाह रहे हैं? कि ये वाला रुपया और ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, तो सीआरआर एसएलआर क्या कर देगा? गिरा देगा. अब समझ में आया? सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सीआरआर एसएलआर राइजेस, ड्यूरिंग रिसेशन सीआरआर एसएलआर फॉल्स. ये सब रेट्स कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? आरबीआई. और ये एनफोर्स कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक. सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो. जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखवा रहा है? आरबीआई. जो खुद के पास रख रहा है वो क्या है? एसएलआर. इन थ्री लिक्विड फॉर्म्स क्या है? कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योर. कोई डाउट है यहां तक? तो ये कौन सा मेथड हो गया बताओ? सीआरआर और एसएलआर. लास्ट कौन सा मेथड बचा है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. अब ध्यान से सुनना, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई. तो मैम आपने बैंक रेट में भी तो कुछ ऐसा ही बोला था. बैंक रेट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म लोन. रेपो रेट इज एप्लीकेबल फॉर लोन ऑफ ओनली 2 weeks मैक्सिमम. कैन आई से 14 days? तो बोल रहे कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से लोन ले रहा है, अब तू कितना दिन मैक्सिमम? क्या? 14 days. तो कौन सा रेट लगेगा? रेपो रेट. ठीक है, आरबीआई क्या बोलेगा? फ्री में थोड़ी देंगे, खाली एक हफ्ता के लिए चाहिए, तो भी नहीं. कौन सा रेट लगेगा? रेपो रेट. समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हर समय ना छोटा आदमी को हाथ फैलाना होता है. समझ में आ रहा है? दिन उल्टा भी होता है. बड़ा आदमी को भी छोटा आदमी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है, फिर छोटा आदमी भी इतराएगा, हम भी तुमसे ना इंटरेस्ट लेंगे. तो जब ये दिन देखना पड़ेगा कि आरबीआई इज टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट. समझ में आया? तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट. यानी अब इंटरेस्ट कौन किससे ले रहा है? कमर्शियल बैंक, आरबीआई. फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कौन सा रेट ज्यादा होगा? रेपो ज्यादा होता है. यानी मैम बड़ा आदमी ज्यादा रेट ले सकता है क्या? हाँ, छोटा आदमी को रेट कम ही मिलेगा. एंड जनरली द डिफरेंस इज 1%. जनरली द डिफरेंस इज कितना? 1%. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार, अगर रेपो रेट 5% है तो रिवर्स कितना होगा? कम होगा ना 1%. रिवर्स रेपो रेट कम होता है 4. अगर रिवर्स दिया है तो रेपो कैसे निकालोगे? 1+ कर. तो इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, दोनों रेट को बढ़ा दिया जाता है. रिसेशन में दोनों रेट को गिरा दिया जाता है. रेपो रेट क्यों बढ़ जाता है? रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया, महंगा हो गया ना कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना. तो रिवर्स क्यों बढ़ता है? रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है? किसका इनकम हो रहा है? कमर्शियल बैंक का ना. तो जानबूझ के क्यों बढ़ाता है? कि कमर्शियल बैंक लोन किसको दे? जहां इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है. तो इंटरेस्ट किससे ज्यादा आ रहा है? आरबीआई से. तो तुमको लोन नहीं देकर किसको लोन देगा? आरबीआई. समझ में आया डिफरेंस? सो दीज आर द 4 इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉट, मॉनिटरी पॉलिसी बोल लो या क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बोल दो. क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल को और एक नाम जानते हो क्या है? जनरल मेजर्स. एग्जाम में आता है. क्या है नाम? जनरल. क्यों जनरल? क्योंकि ये सबको इफेक्ट कर रहा है. आज बैंक रेट बढ़ेगा या गिरेगा तो खाली तुम्हारे घर में बढ़ेगा क्या? कि जितने भी बैंक है सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए, सारे इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है. सो इट इज इफेक्टिंग इनडिस्क्रिमिनेटली एवरी वन इन द मार्केट. So that is why they are also called as what? General measure. ठीक है, तो मैंने याद है बोला था 2 methods है credit control का. अभी तो एक ही पढ़ाया. क्या? Quantitative. और एक क्या है बताओ? Qualitative. Qualitative को और एक नाम जानते हो क्या है? Selective measure. वो सबको effect करता है क्या? नहीं, कोई कोई को effect करता है. That is why it is called as what? Selective methods of credit control. अब इसमें क्या हो रहा है ना, यहां पे RBI request कर रहा है कि please commercial bank तुम control करो ना credit को. Request कर रहा है. कोई ऐसे यू नो रेट्स वगैरह नहीं फिक्स किया है.
कौन किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? आरबीआई किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। क्या बोलते हैं इसको? मॉरल सुएशन। लेकिन कमर्शियल बैंक तो तुम लोग की तरह होते हैं ना, रिक्वेस्ट से तुम लोग मान जाते हो क्या जब मैं बोलती हूँ प्लीज आज होमवर्क करके आना, प्लीज कल टेस्ट दे देना? तुम लोग तो जिद्दी हो, बिना होमवर्क किए आ जाते हो आज जैसे आए हो। फिर मैं क्या बोलती हूँ? मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ क्या कि कैसे बोलती हूँ? ऑथोरिटेटिव टोन में, नेक्स्ट क्लास यू शुड डू योर होमवर्क एंड कम, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट। बोलती हूँ ना ऐसे, तो वैसे ही क्या और है? अगर रिक्वेस्ट वगैरह फेल हो गया तो अब आरबीआई क्या करता है? डायरेक्टिव देता है किसको? कमर्शियल बैंक। तुमको क्रेडिट कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी रिएक्शन बताओ तुम्हारा, फिर तुम क्या करते हो? फिर भी उठ के आ जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे ही, बोलो छोड़ो ना, देखा जाएगा जो होगा, फिर भी उठ के आ गए। फिर अब मेरा गुस्सा का पारा जो है आप जानते हो, स्टैंड अप, गेट लॉस्ट। अब और क्लासेस वगैरह तुमको नहीं करने मिलेगा, घर से करो जाओ, फेस टू फेस कैंसिल, सस्पेंशन। कभी किया नहीं है ऐसे, ठीक है, ऐसे मत देखो। बट आरबीआई यही करेगा। उसके बाद भी अगर कमर्शियल बैंक अपना मनमानी कर रहा है ना, नहीं हम तो लोन देंगे, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो आरबीआई स्ट्रेट अवे पता है क्या करेगा? डायरेक्ट एक्शन लेगा तुम्हारे खिलाफ, कमर्शियल बैंक के खिलाफ, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तुम्हारा सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर देंगे, तो अब तुम हो ही नहीं कमर्शियल बैंक, तो कहां से लोन दोगे? समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करेगा? मॉरल सुएशन, इफ इट फेल्स इश्यू ऑफ डायरेक्टिव, इफ इट फेल्स डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, तुम्हारा आईडी कार्ड ही ले लिए, अब क्लास कैसे करोगे बताओ? समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोलते हैं इसको? कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसके अलावा क्वालिटेटिव में एक दो ठो और है। हैव यू हर्ड अबाउट रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट? अब जैसे बोल रहे हैं ना, आप जो लोन दे रहे हो ना, सबको मत दो। अब जैसे ये बच्ची है, ये बोल रही है कि मैम मेरे को एजुकेशन लोन चाहिए, दिलवा दीजिए ना, आपका तो बैंक में जान पहचान है, बैंक दे दिया। एजुकेशन लोन इज अ प्रोडक्टिव लोन। ये कंज्यूमर आई है, बोल रही है कि मेरे को ना एक गाड़ी खरीदना है, लोन दे दीजिए ना, एक घर बनाना है, लोन दे दीजिए ना, एक बंगलो बनाना है, एक मैरिज लोन चाहिए, दे दीजिए ना, शादी वगैरह करना है। आर दे प्रोडक्टिव की अनप्रोडक्टिव लोन? अनप्रोडक्टिव। तो यहाँ क्रेडिट को क्या कर रहा है? रैशन। जब क्राइसिस चल रहा है ना, तो खाली लोन किसके लिए मिलेगा? प्रोडक्टिव। तुमको एजुकेशन के लिए चाहिए, मिल जाएगा, बिजनेस के लिए चाहिए, मिल जाएगा। तुमको किसके लिए चाहिए? शादी करना है, घर बनाना है, बंगलो बनाना है, फिर बच्चा के लिए लोन चाहिए, और क्या लोन चाहिए? कार लोन चाहिए, नहीं मिलेगा। दीज आर कंजम्पशन लोन। ये सब लोन होता है आपको पता है ना, बट दे आर कॉल्ड एज कंजम्पशन लोन, तो नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं रैशनिंग। और एक बोला फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, किस सेक्टर को कितना लोन देना, परसेंटेज फिक्स कर दो। एग्रीकल्चर को इतना दो, समझ में आ रहा है, ट्रेड को इतना दो, तो ऐसे फिक्स करके रख दो। दैट इज कॉल्ड एज फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? सो दिस कंप्लीट्स योर क्रेडिट कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ आरबीआई। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांता दास। आरबीआई को कौन रेगुलेट करता है? हाँ, अभी तो बोला गवर्नर है उसका, सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, हुई शक्तिकांता दास। आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर? 1949। आरबीआई का प्रेजेंट हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई। पहले कहां था? कलकत्ता। आरबीआई का हेड ऑफिस शिफ्ट किस साल में हुआ? 1937। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ? 1934। आरबीआई एज अ बॉडी कब एस्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का कितना रीजनल ऑफिस है? 27। कितना रीजनल ऑफिस है? 27। इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है, देखना चाहोगे? मैंने आपको नोट्स क्यों नहीं लिखवाए आप जानते हो? बता रही हूं क्यों। Enjoy it, पूरा रिविजन हो जाएगा यहां से। लाइट ऑफ कर दो, लास्ट वाला लाइट ऑफ करो, ठीक से दिखेगा, करो।
हाँ लास्ट वाला करो बस, ठीक है अभी दिख रहा है ठीक से? हाँ ठीक ही तो है भाई, अभी तुम लोग को बेसी नाटक है। अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरा सेटिंग गड़बड़ कर दे रहे हो। वॉट इज रॉन्ग विथ यू, डिड आई आस्क यू? द सेटिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब, ऑन करो। मैंने जहां तक इसमें दिख रहा है अभी, एक्चुअल में सेटिंग्स का कनेक्शन होता है ना लाइट से, तो मैंने तो तुमको दो लाइट बंद करने के लिए हाँ बोला था, तो इन लोग के बोलने से करेगा क्या? इन लोग तो डुबाएगा ही, तुम डूब जाएगा। इन लोग तो है ही बदमाश, इन लोग तो चाहता है कि सब ये प्रोजेक्टर भी बंद हो जाए, बस गाना वगैरह चालू कर दीजिए हम लोग सो जाएंगे। दिखाई दे रहा है अभी क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सब एक एक लाइन। एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। इनिशियली कहां पे था इसका हेड ऑफिस? कैलकटा। शिफ्ट कहां पे हुआ है? मुंबई। गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन, ये भी पूछता है हु इज एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन, क्या बोलोगे? आरबीआई। कोई डाउट है यहां तक? रीड इट, सब प्रेजेंटेशन है भाई, इफेक्ट्स डाला हुआ है, चक्रव्यूह इफेक्ट है ये, देखो। दिस मेक्स द टॉपिक यू नो मोर अट्रैक्टिव। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी, रीड इट। इफेक्ट्स है, ये सब इफेक्ट सीखना है तो अलग से आ जाना मेरे पास, देख लो। पढ़ लिए सारा पॉइंट, डन। हैव वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम? रीड इट। आई डोंट हैव द रिमोट एक्चुअली, एंड देर इज नो बेल ऑल्सो सो दैट आई कैन कॉल। आई थिंक द रिमोट इज देयर, यू कैन स्विच इट ऑफ। रेस्ट प्लीज, रीड इट। हो गया, अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ो। अरे शटर इफेक्ट है, खुलने दो शटर, तब तो दिखेगा ना। शटर इफेक्ट दिया था ना, खुल रहा है शटर, देखो। रीड ऑल ऑफ देम, जितना भी मैंने डिस्कशन करवाया सब लिखा है। इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, रिसेशन में क्या करते हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एवरीथिंग हियर, रीड इट आउट। हाउ इज इट? हाँ तभी तो मैंने बोला, नहीं तो मेरा क्या हैबिट है लिखवाने का, बट इसका पूरा जो है, हाँ ये वीडियो नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है। हाँ वो इफेक्ट है, वो वीडियो जैसा लग रहा है वो इफेक्ट है, उसको भी आने के लिए यू नो यू शुड हैव दैट स्किल, यही सब स्किल में सिखाया जाता है। तो मैंने स्किल कोर्स किया क्या? नहीं मैंने नहीं किया, बट मुझे आता है ये सब, ठीक है। जैसे जब फ्यूचर में आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाओगे ना अपने क्लाइंट के लिए, ये सब इफेक्ट दोगे तो क्या इंप्रेसिव नहीं लगेगा? ये सब इफेक्ट आपको आना चाहिए। हाँ तुम लोग को मैं डिजिटल नोट्स दूंगी, इफेक्ट नहीं दूंगी। पीडीएफ नोट्स देंगे ना तुम लोग को, अब बोलोगे इफेक्ट नहीं है, तो पीडीएफ में इफेक्ट नहीं आता, उसको फिर पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, तब आ जाएगा इफेक्ट।
आई कैन नॉट गिव यू द रॉ पीपीटी फाइल ना, हो गया। देखो एक चीज देखा है, रेपो रेट में क्या लिखा है, लोन कितना दिन के लिए लिखा है, 2 वीक। डू यू नोटिस दिस थिंग, ये एग्जाम में पूछता है दोनों का डिफरेंस क्या है, बैंक रेट और रेपो रेट का, दोनों ही तो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, बट बैंक रेट क्या हायर ड्यूरेशन लोन के लिए, रेपो रेट किसके लिए स्मॉल, वो भी कितना स्मॉल ड्यूरेशन, मैक्सिमम 14 डेज। रिवर्स रेपो रेट में कौन किससे लोन ले रहा है, हाँ आरबीआई कमर्शियल बैंक से। एक्चुअली इसमें क्या देखा, इन्फ्लेशन में सारे रेट बढ़ रहे और रिसेशन में सारे रेट क्या कर दे रहे, गिरा दे रहे, ठीक है। हु इज ही, शांति नहीं है शक्ति है, शक्ति शक्तिमान, शांतिलाल गौतम भाई अदानी है उसका पूरा नाम, अदानी ग्रुप का जो फाउंडर है, ये शांतिलाल नहीं है, ये शक्तिकांत है, माय गॉड, ये सब पूछ सकता है, ऑल्सो इन करंट अफेयर्स। रेपो रेट के बारे में देख रहे हो, शॉर्ट टर्म, बैंक रेट के लिए क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म। अब यहां डिफरेंस बताया है, जैसे आज तक आपको पता है परसेंटेज जो रेट्स वगैरह हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं ना, इट कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट। डू यू नो द रेट ऑफ कन्वर्जन, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। अब जैसे यहां बोला है 7.75 से 7.5 हो रहा है ना परसेंट, तो कितना बेसिस पॉइंट रिडक्शन हुआ है, 0.25 नहीं, 0.25 तो परसेंट हो गया ना, बेसिस पॉइंट कितना हो गया, 25। समझ में आया, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट दिख रहा है। पहले क्या होता था ना, आरबीआई एग्रीकल्चरल लोन ये सब भी देता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी लोन देता था, लेकिन अभी ये सब काम आरबीआई का कौन कर रहा है, अलग अलग विंग्स, लाइक नबार्ड हैज टेकन अप द एग्रीकल्चरल विंग, एक्सिम बैंक विच इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हैज टेकन द इंटरनेशनल ट्रेड विंग। पहले आरबीआई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोन देता था, लेकिन अभी कौन दे रहा है, एक्सिम, एक्सिम का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एग्रीकल्चरल लोन भी पहले कौन देता था, आरबीआई, अभी उसका विंग देख रहा है, कौन है उसका विंग, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वही लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट दिखाई दिया, बोलो अब नेक्स्ट सेबी करेंगे हम लोग, यहां तक पूरा क्लियर है, लाइट्स ऑन। मेरा वीडियो में तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ ना, थोड़ा सा डल हो जाता है वीडियो, लाइट्स वगैरह चला जाता है तो ठीक है। लाइव फ्रॉम होम, समझ में आ रहे हैं आप लोग, तो मतलब कुछ रिप्लाई वगैरह ही नहीं करते हो। तो पूरा देखो यहां आरबीआई के बारे में था ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कर लोगे, कॉपी में 1-2 पॉइंट खाली एक्स्ट्रा लिख लो जो मैं डिक्टेट कर रही हूं, राइट डाउन एक्स्ट्रा नोट्स ऑन आरबीआई लिखना, चैप्टर नंबर 8 हेडिंग दो, एक्स्ट्रा नोट्स ऑन आरबीआई, सम एक्स्ट्रा नोट्स ऑन आरबीआई लिखो। आरबीआई हैज 27 रीजनल ऑफिसेस, आरबीआई हैज 27 रीजनल ऑफिसेस, अंडरलाइन 27, एंड 4 सब ऑफिसेस, अंडरलाइन 4, 27 रीजनल ऑफिसेस एंड 4 सब ऑफिसेस, अंडरलाइन 4 लिखा। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, गिव द हेडिंग सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, होली ऑन सब्सिडरीज कौन कौन से आरबीआई का लिखो। नंबर 1 DICGC, सब कैपिटल लेटर्स में लिखना, हाँ फुल फॉर्म में बताऊंगी, DICGC इसका फुल फॉर्म लिखो, डैश देखे, डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लिख लिया पॉइंट नंबर 2, BRB NM
PL, ये शॉर्ट फॉर्म है, BRBNMPL शॉर्ट फॉर्म है ये। ये सबका फुल फॉर्म आएगा क्या एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है, इसलिए तो लिखवा रहे हैं, नहीं तो क्या पढ़ा था मेरे को अलग से इतना अच्छा नोट के बाद भी ये सब लिखवाने का। क्या लिखा ठीक से पढ़ो, एक जन बोलो तो पहला वाला शॉर्ट फॉर्म बोलो क्या था। DICGC, एकदम इजी है, फुल फॉर्म बोलो क्या, डिपॉजिट इंश्योरेंस और गारंटी स्कीम ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक से बोलो एक जन, क्या लिखवाया मैंने? डिपॉजिट इंश्योरेंस, हाँ, एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे देखो ना, डिपॉजिट वगैरह अगर आरबीआई लेता है तो गारंटी रहेगा ना कि वहां पे क्या होगा, फ्रॉड वगैरह होने वाला नहीं है, डिफॉल्ट का चांसेस नहीं है। इंश्योरेंस दो चीज है ना आरबीआई का, डिपॉजिट लेना और इंश्योरेंस देना, ये सब किसके संग कर रहा है वो? कमर्शियल बैंक या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है? तो और आप लोग भी तो क्या करते हो अपने कमर्शियल बैंक के संग, यही सब तो करते हो, डिपॉजिट्स वगैरह इंश्योरेंस वगैरह लेते हो, तो वही वहां के लिए भी बोल रहा है। उसका क्या है, गारंटी देता है, तो ये अलग से इसका क्या है, आरबीआई का एक कंपनी है, एक उसका बॉडी है, उसका एक पार्ट है जो ये सब काम अलग से देख रहा है सिर्फ, ठीक है। फिर वैसे ही नेक्स्ट क्या लिखवाया बताओ, नेक्स्ट। अब आरबीआई को और एक फंक्शन याद है क्या था, नोट वगैरह छापना, तो ये नोट से रिलेटेड है, लिखो भारतीय रिजर्व बैंक नोट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, हिंदी में बोलते हैं उसको मुद्रण, मुद्रास होता है ना, MUDRAN, यस, मुद्रण, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ये सब याद रहेगा क्या तुम लोग को? मेरे को मतलब लग रहा है कि ये सब जरूरी है, पूछ सकता है ना, कौन सा आपको मतलब वर्ड टू वर्ड याद रखना है, एमसीक्यू देख के आपको याद नहीं आ जाएगा क्या? थर्ड सब्सिडरी RE, लिखो थर्ड सब्सिडरी, REBIT, RE क्या होगा, रिजर्व, लिखो रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक, बी मतलब बैंक। जनरली IT क्या होता है, IT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, राइट डाउन। फोर्थ सब्सिडरी का नाम लिखो, IFTAS, 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 चलो गैस करो इसका फुल फॉर्म। FT मतलब क्या, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, I मतलब क्या होगा, इंडिया का ही है तो इंडियन, लिखो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेस, ALLID, अलाइड सर्विसेस, अलाइड सर्विसेस रिटर्न, अलाइड सर्विसेस लिखो। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर, सब्सिडरीज हो गया, यही खाली है चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 था 27 रीजनल ऑफिस, 4 सब ऑफिस, 4 होली ओन सब्सिडरी, अब इसका 6 ट्रेनिंग सेंटर्स है, राइट ऑन। पॉइंट नंबर 3, इट हैज गॉट 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें से सबसे कॉमन जो जो है मैं लिखवा दे रही हूं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो ब्रैकेट में, यहां पे ट्रेनिंग वगैरह होता है कि अगर आपको जैसे गवर्नर बनना है आरबीआई का, शक्तिकांता का जो है गवर्नरशिप को आपको छीनना है, आपको बनना है, तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट खोल के रखा है ना आरबीआई, कितना, 6, वन ऑफ देम इज, लिखो ब्रैकेट में आरबीआई अकेडमी, अकेडमी वगैरह में तो ट्रेनिंग होगा ना, तो लिखो आरबीआई अकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने याद है बोला था इसका एक फंक्शन और क्या था, एग्रीकल्चर लोन वगैरह देना, लेकिन अभी उसको कौन देख रहा है, नाबार्ड, वेरी गुड। और एक लिख लो नाम, बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज, ये
ये सब इसका क्या ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स है, ये सब ओन्ड बाय कौन है? आरबीआई। इसके अलावा बाकी तीन ट्रेनिंग है ना वो ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है, जहां प्राइवेट ट्रेनिंग वगैरह चलता है। हैव यू हर्ड अबाउट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट? वो आरबीआई का ही क्या है, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। तो लिखोगे अदर, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो अदर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट आर, अदर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट आर इंदिरा गांधी, अदर ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब समझ गए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट आर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, इसका शॉर्ट फॉर्म अपने आप बना लोगे क्या? बोलो क्या होगा? आई जी आई आई जी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आई फॉर, एफ नहीं होगा हाँ, डेवलपमेंट रिसर्च डी आर लिख लो, राइट डाउन आई जी आई डी आर, आई जी आई डी आर, आई जी आई डी आर लिखो, और एक लिखो नेशनल, नेक्स्ट पॉइंट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, दूसरा इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, इसका भी बना लो, हाँ बना लो NIBM, NIBM ठीक है। और एक लिखो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बैंकिंग टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म बना लो इसका, इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी बना लो अपने आप, जो बन रहा है बना लो, आई डी आर बी टी, आई डी आर बी टी रिवाइज करो पूरा, ये दिस कंप्लीट्स योर आरबीआई इन फुल। हाउ वाज आरबीआई? ये लास्ट के फुल फॉर्म डिफिकल्ट नहीं है, चार सब्सिडियरी हमने लर्न किया था। सबसे पहले क्या चीज से लिंक था? डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी वाला पॉइंट था, है ना, कॉरपोरेशन। फिर किससे लिंक था? नोट से, भारतीय रिजर्व, ठीक है। और फिर उसके बाद एम का मतलब क्या है? हाँ मुद्रा, मुद्रण, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था? हाँ आरबीआई के ऊपर ही है उसका नाम, तो एकदम इजी है। और लास्ट वन किसके ऊपर था? फाइनेंशियल के ऊपर। तीसरा वाला तो आईटी के ऊपर एकदम इजी है, और फिर उसका चौथा वाला किसके बाद बोल रहा है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में, अलाइड सर्विस। सिक्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट सेंटर, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट सेंटर कभी पूछा नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर मान लो ये पूछेगा कौन सा ऑटोनॉमस है बताओ, तो इतना तो याद रहेगा। लास्ट में जो इंदिरा गांधी वाला एक तो बोला था मैम ने ऑटोनॉमस है, फिर और दो तो क्या लर्न करवाया बताओ? शॉर्ट फॉर्म मत बोलो, ठीक है, फुल फॉर्म बोलो। हाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक, एक बैंकिंग से रिलेटेड है वो बोला था, इंदिरा गांधी वाला बोला था, और एक क्या बोला था, क्या चीज के लिए डेवलपमेंट? बैंकिंग टेक्नोलॉजी, याद रहेगा। और वहां पे लिख लो प्लस रेफर मैम नोट्स, नहीं तो पता चला आप आरबीआई इतना ही पढ़ के गए हो, खा गए पूरा आरबीआई को। तो बेटर पता है क्या रहेगा, जब मैं नोट्स दूंगी ना, क्या करना उसको लिख लेना, क्योंकि सब चीज जब लिखा है तो एक बार लिख ही लेना ना सारा, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम फिर आप पीडीएफ वगैरह कहां ढूंढोगे, समझ में आ रहे हैं? हाँ अभी तुरंत मिलेगा, तुम्हारे सामने देंगे। राइट डाउन द रीसेंट रेट्स, ये सब भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि करेंट अफेयर भी है ना, इसलिए मैं कवर करवा दे रही हूं। ये रेट्स पता है आए दिन क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट। व्हाट आर द करेंट रेट्स, प्लीज राइट डाउन। आरबीआई ये सब रेट्स वगैरह क्या इशू करते रहता है ना, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो करेंट रेट्स है मेरा वो क्या है,
एक संग चारों रेट, बहुत सारे रेट्स है, इतने रेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये सारा रेट्स करने का दरकार नहीं है। ये कर लो, ये लेटेस्ट देख रहे हो सितंबर 22 का लेटेस्ट अपडेटेड रेट्स है। याद है मैंने अपने एग्जांपल में सीआरआर कितना लिया था, 4%, क्योंकि लगभग 4 से 5 ही फ्लक्चुएशन करता है। एसएलआर कितना लिया था याद है, 18, अभी भी 18 है। रेपो और रिवर्स में मैंने याद है बोला था 1% का जनरली डिफरेंस होता है, लगभग उतना ही है, और रेपो हमेशा क्या होता है ज्यादा, देख रहे हो। ये वाला रेट छोड़ देना, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, खाली फिर क्या करोगे बैंक रेट 4 से 5% रहता है। राइट ऑन द करेंट रेट्स इन योर कॉपी, करेंट रेट्स लिख लो आरबीआई का। ये वाला रेट छोड़ देना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट नहीं लिखोगे, बाद बाकी रेट्स लिख लो, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए काम आएगा इसलिए लिखवा दे रही हूं। ईबी में चांसेस आर वेरी लेस कि पूछेगा, करंट अफेयर्स वगैरह में पूछ सकता है, एंड यू शुड नो ऑल दीज रेट्स। राइट डाउन, हर 3 महीना में रेट चेंज होते रहता है। इज इट डन? कुछ बच्चे डिक्टेट करने बोल रहे हैं, मैंने आपके लिए जूम कर दिया है। सीआरआर 4.5, एसएलआर 18, रेपो रेट 5.4, रिवर्स रेपो 3.35, बैंक रेट 5.65। यस, अभी तो बोला मैंने, बट ऐसा नहीं है कि देखो 18% से 80 हो जाएगा, समझ रहे हो। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना, 1-2% के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे ये जो एसएलआर है आप हमेशा देखोगे 18% ही रहता है, 18 से 22% के बीच में फ्लक्चुएट करता है। सो दिस कंप्लीट्स योर आरबीआई डिटेल, ओके, एंड यू विल बी गेटिंग द पीपीटी डिजिटल नोट्स, ओके। चलो अब नेक्स्ट सेबी लिखो, हेडिंग गिव द हेडिंग सेबी। हैव यू हर्ड अबाउट सेबी? कौन है बताओ? यस टेल मी, व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट? क्या है क्या सेबी, करता क्या है, काम क्या है सेबी का? यस इट कंट्रोल्स द सिक्योरिटी मार्केट, ओके। और आपको पता है मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। परचेज एंड शेयर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, ऑल रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज बेसिकली लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ 3 पीपल। हु आर दोज 3 पीपल? द वन हु इज इश्यूइंग द सिक्योरिटी, दैट इज अ कंपनी। The one who is purchasing the security, that is you, the investor. And the middleman who is acting as a link between the buyer and the seller, the broker, the agent, the intermediary. So SEBI 3 logo ke interest ko safeguard karke rakha hai. Companies like Reliance issuing security, investor like you purchasing the share of Reliance, broker who are charging brokerage for effecting these transaction. Broker jabhi bhi client ke behalf pe share kharidta hai, उसके बिहाफ पे खरीदता है, अपने नाम पे कभी भी शेयर होल्ड नहीं करता, उसके बदले में वो क्या लेता है? ब्रोकरेज कमीशन। तो सेबी इन 3 जनों का इंटरेस्ट को देखता है कि इसको सेफगार्ड किया जा रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लो ये अपने एक कंपनी खोल ली, बोल रही है कि हम लिस्टिंग करवाएंगे अपना शेयर्स का, मतलब आई विल ब्रिंग एन आईपीओ। यू नो व्हाट इज एन आईपीओ? व्हेन द कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। डिड आई टेल यू Who brought the concept of IPO for the first time in India? Which company was it? Reliance Industries Limited. Reliance was the first company to bring this concept of IPO. कि तुम मेरा शेयर खरीदो और मेरे कंपनी के मालिक बन जाओ। तुम कौन हो? इंडिया की आम जनता। और तुम मालिक किसके बन गए? Reliance का।
खाली शेयर खरीद के, एक शेयर खरीद के तुम रिलायंस का मालिक बन सकते हो। शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर तो आप ही अपॉइंट कर रहे हो, डायरेक्टर आपके नौकर है, आप हो कंपनी के मालिक। आज ही जाके एक रिलायंस का शेयर खरीदो और रिलायंस का क्या बन जाओ, मालिक। मालिक मुकेश अंबानी नहीं है, मालिक आप हो जो रिलायंस का क्या खरीद रखा है, शेयर। समझ में आया? तो अब कंपनी जो शेयर को इश्यू कर रहा है, अब मान लो ये अपना एक कंपनी खोल ली, क्या नाम है तुम्हारा, ली, री, योर फुल नेम इज री ओनली, रीत, ओके, रीत इज अ वेरी गुड नेम, रीत, रीत शायद करीना कपूर का भी कोई पिक्चर में नाम था, गीत था क्या, रीत भी था मुझे ऐसे याद आ रहा, क्यारा का था क्या, रीत इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। तो अब ये बोल रही है ना, हम रीत लिमिटेड खोल लिए हैं, सबको अनाउंस कर दी, मेरा आईपीओ है, कल आ जाना खरीदने। समझ में आ रहा है? आपको पता है शेयर को इशू करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, आईपीओ के गाइडलाइंस होते हैं जो सेबी ने इशू किए, जो उसको फुलफिल करना है। इसने कोई फुलफिल नहीं किया गाइडलाइन को, ना इसका उतना शेयर कैपिटल है, ना खुद का उतना रिजर्व है, सरप्लस है, बस अनाउंसमेंट कर दी मेरा आईपीओ निकल रहा है कल आ जाना, प्रोस्पेक्टस दे दिया तुमको, इसको कौन पकड़ेगा आकर, सेबी, क्योंकि तुम लोग तो इसका बाद में आकर शेयर ले लोगे, बट कल को जाके कंपनी को नुकसान होगा, पता ही होना ही है, क्योंकि जब गाइडलाइन ही नहीं फुलफिल कर रही है, इसको राइट ही नहीं है, ये पहले ही शुरुआत ही धोखेदारी से कर रही है, इलीगली आईपीओ ला रही है, लीगल टर्म्स को इसने ब्रीच किया है। तो इन दैट केस हु इज गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट रीत लिमिटेड, सेबी, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर इन्वेस्टर हु आर बिलीविंग इन रीत लिमिटेड एंड इन्वेस्टिंग देयर। समझ में आ रहा है? पहले तुम ऐसा प्राइवेट लिमिटेड बनो ना, कंपनी को ग्रो करो, फिर बाद में ले आना लिस्टिंग वगैरह, आईपीओ करवा लेना, पहले खुद तो ग्रो करो। ऐसी कंपनी खुलकर डायरेक्टली पब्लिक लिमिटेड बन जाता है क्या? कुछ साल तक प्राइवेट लिमिटेड रहता है, फिर बाद में कन्वर्जन करवाता है ना, जैसे आपने सुना होगा जोमेटो का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया, बीच में इतना नहीं तहलका मचा था क्या? अरे कुछ नहीं जानते हो, करंट अफेयर तुम लोग क्या करोगे, जोमेटो का आईपीओ के बारे में नहीं सुना? आईपीओ आने के बाद फिर बोला जोमेटो का मालिक कंपनी को ही छोड़कर भाग गया, वो सब सुना कि नहीं सुना? आईपीओ समझते हो ना क्या बोला अभी मैंने, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये भी आ सकता है एग्जाम में, करंट अफेयर में फुल फॉर्म बताओ आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ वगैरह लेकर आते हैं ना अलग अलग कंपनी, समझ में आया? तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कंपनी एकदम सही था, लेकिन ये जो इन्वेस्टर है ना, ये फ्रॉडलेंट निकली, ये कंपनी के अगेंस्ट उल्टा फुल्टा लिटिगेशन फाइल किए जा रही है, कंपनी का शेयर खरीदी नहीं है तो भी बोल रही है हम शेयर होल्डर है, हमको डिविडेंड नहीं दिया कंपनी, हमको बोनस नहीं दिया कंपनी, हमको राइट इशू नहीं दिया, उल्टा फुल्टा लिटिगेशन कंपनी के ऊपर लगाए जा रही है। अब कौन देखेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं देखेगा, सेबी देखेगा इसको, सेबी का अलग से कोर्ट है, सेबी ने इसके अगेंस्ट क्या किया, ऑर्डर पास किया। यहां पे किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कंपनी का अगेंस्ट द इन्वेस्टर, और इसके पहले वाले एग्जांपल में किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा था, इन्वेस्टर का अगेंस्ट द कंपनी। अब इन दोनों के बीच में वो बैठी थी ब्रोकर, देख रहे हो बेचारी, इसका आईपीओ आया था ना तो कंपनी को, कंपनी इसको बुलाया था, आई तो मेरा शेयर बिकवाने में हेल्प करो ना, बोली ठीक है कर देंगे, लेकिन बदले में आपसे कमीशन लेंगे। और इसको इधर में दिखाई दे रहे थे बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है जिन्हें समझ नहीं आ रहा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक तरफ इसको दिखाई दिया ये कंपनी मेरे को बोला ही है मेरा शेयर बिकवाने, और दूसरी तरफ ये दिखाई दे रही है जो मुझे बोली रही है मुझे एडवाइस दो कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, तो इससे क्या की शेयर इसको बिकवा दी। नाउ शी इज ओनिंग कमीशन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, बट नन ऑफ देम इज गिविंग हर द कमीशन, एंड नाउ शी इज अग्रीव्ड। तो अब किसके पास जाएगी, सेबी, तो अब सेबी इसका भी इंटरेस्ट देखेगा क्या, यही बचा है क्या? हाँ देखेगा, ये ब्रोकर है, देखेगा बिल्कुल, समझ में आ रहा है? तो सेबी तीन जन को देख रहे हैं, ये रीत लिमिटेड को, ये इन्वेस्टर क्या नाम है आपका, संस्कृति को देख रहे, हु इज द मालिक ऑफ रीत लिमिटेड बाय परचेसिंग द शेयर, एंड तीसरा व्हाट इज योर नेम, अश्मित को देख रहे हैं, हु इज द ब्रोकर बिटवीन रीत लिमिटेड एंड संस्कृति। संस्कृति लिमिटेड नहीं है, वो इंडिविजुअल है संस्कृति, और ये लिमिटेड कंपनी है। तो अब आपको समझ में आया, सेबी तीन जन को देख रहे हैं, क्लियर एकदम। अब सेबी का पता है आपको तीन पावर होता है, सुनो मेरा बात, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, क्वाजी जुडिशियल, देयर आर थ्री पावर्स ऑफ सेबी, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, क्वाजी जुडिशियल। नाउ व्हाट इज दिस क्वाजी लेजिस्लेटिव, आपको क्या लगता है, बस हम लोग कंपनी खोल लिए, शेयर वगैरह इशू कर रहे हैं, कोई रेगुलेटरी बॉडी है ना, सेबी आपने बोला तो रूल्स वगैरह कौन बना रहे, सेबी ना, तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ, रूल्स बनाना। सेबी को लग रहा है ना कुछ कुछ रूल ऐसे है ना बेकार के रूल बने हुए, दे हैव बिकम रिडंडेंट, उसको अमेंड करो या हटाओ,
आप देखते नहीं हो आए दिन अमेंडमेंट आते रहते हैं, सेबी में भी तो आता है अमेंडमेंट। तो नए रूल्स बनाना, पुराने रूल को अमेंड करना, नया एक्ट पास करना, सब किसके हाथ में है? कोई भी चीज का रूल रेगुलेशन बना लेगा क्या? रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट। तो रूल बनाना करना ये सब किस कैपेसिटी में कर रहा है? क्वाजी लेजिस्लेटिव। इसको क्या बोलते हैं? क्वाजी लेजिस्लेटिव। फिर क्या बोला? क्वाजी एग्जीक्यूटिव। रूल बना तो लिया, अब ये भी तो देखना पड़ेगा तुम लोग ठीक से इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं। ये कंपनी दगाबाज कर रहा है, उधर इन्वेस्टर इनसाइडर ट्रेडिंग करके बैठी हुई है, उधर ब्रोकर अपना कुछ और ही कर रहा है। ब्रोकर पता है क्या कर रहा है? उल्टा फुल्टा कमीशन लिए जा रहे हैं इन लोग को। इनोसेंट इन्वेस्टर थे इन लोग नए नए। मैक्सिमम ब्रोकरेज कमीशन टू बी चार्ज बाय द ब्रोकर इज ऑल्सो रिटेन इन सेबी। शी इज चार्जिंग अननेसेसरीली हाई कमीशन बिकॉज वाई? दे डोंट, दे हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली सेबी फ्रॉम मी। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर इसको पता चल गया, एग्जीक्यूटिव में गया तो ये सब बात पता चल गया, तुरंत इसके पास गया केस वगैरह। ये इसको पहले बोला पैसा रिटर्न करो, बोले नहीं करेंगे, जो करना कर लो। किसके पास गया? सेबी के पास। तो इसको क्या बोल रहे? क्वाजी एग्जीक्यूटिव। अब यहां पे क्या हो रहा है आप समझ रहे हो? फिर उसके बाद ये कंप्लेन कर दिया तो खत्म क्या? ऋषभ बोल दिया अब सेबी सुन लेगा? नहीं, सेबी क्या करेगा? खुद जाकर चेक करेगा, इन्वेस्टिगेशन करना। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्जीक्यूटिव। कि वेदर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच सेबी हैज मेड हैज बीन ब्रीच्ड क्या? इफ यस देन जुडिशियरी विल स्टार्ट। दैट इज कॉल्ड एज क्वाजी जुडिशियल। नाउ इट इज द टाइम टू गिव यू व्हाट? पेनल्टी। समझ में आ रहा है? अब पेनल्टी वगैरह आपको सुनाया जाएगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 लाख, 4 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम दैट यू हैव कमिटेड। अदरवाइज इफ योर क्राइम इज सीवियर यू कैन ऑल्सो बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, जेल वगैरह भी आपको जाना पड़ सकता है। समझ में आया? तो ये सब क्या हुआ? जज का काम है ना ये सब बोलना। तो इसलिए कौन सा यहाँ जज नहीं कर रहे, सभी कर रहे हैं, लेकिन इन द फंक्शन ऑफ व्हाट? क्वाजी जुडिशियल, यानी प्रोनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, जजमेंट वगैरह सुनाना। तो सभी का 3 पावर है, लॉ बनाना, चेक करना कि ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है, और फाइनली जुडिशियरी पावर यानी अनाउंसमेंट वगैरह सुना देना। इज इट क्लियर विथ यू? सेबी एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? 1988। सेबी वॉज गिवन स्टैट्यूटरी पावर इन विच ईयर? 1992, 30th of January। सेबी एक्ट तो पहले ही पास हो गया था, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी पावर कब मिला? फंक्शन कब से चालू किया करना? 1992. You know why? After the case of Harshad Mehta, Ketan Parekh, stock scam, share market scam, which occurred in 1991, SEBI बन गया था, लेकिन उतना उसको statutory power वगैरह नहीं था, तो इसीलिए तो इतना सारा scam वगैरह हुआ था। Harshad Mehta का scam 1991 में हुआ था। इसके बाद realize हुआ government को कि नहीं, SEBI को enact करना अब जरूरी हो चुका है, नहीं तो ये insider trading वगैरह का crime जो है चलते जाएगा। सो दैट इज वाई उन्होंने सेबी को क्या दे दिए? स्टैट्यूटरी पावर, उसको एक्ट बना दिया, लीगल पावर मिला, और 1992 से वो फंक्शन करना इफेक्टिवली चालू हो गया। समझ में आया क्या बोला मैंने? सेबी का हेड ऑफिस कहां पे? बैंड्रा। बैंड्रा सबसे पॉश एरिया मुंबई का। बैंड्रा का एग्जैक्टली कहां? कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का नाम है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना। बैंड्रा के जगह में कहां? कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, वहां पे सेबी का क्या है? हेड ऑफिस। समझ में आया ये सब? सेबी का एक चेयरमैन होता है, ऑब्वियसली चेयरमैन तो एक ही होगा ना। कितना चेयरमैन होता है सेबी का? एक। यहां तक कोई डाउट है क्या? बताओ। अब आपको याद है मैंने बोला कि सेबी का अलग अलग फंक्शन है। अब सेबी क्या करता है? रूल्स वगैरह भी बनाता है। अब ध्यान से सुना, ब्रोकर वगैरह कुछ क्राइम वगैरह कर रहा है तो उसको इंस्पेक्ट करेगा ना, तो कैसे करेगा? ब्रोकर को बोलेगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट लाकर दिखाओ। तो ब्रोकर को भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है क्या? हाँ, कि वो कितना शेयर वगैरह का ट्रेडिंग करवाया है। तो मैम कंपनी को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है क्या? हाँ, सबको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी दोस कंपनीज वो शेयर्स आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, आपका शेयर का लिस्टिंग किया हुआ है बीएससी में, एनएससी में, सीएससी में, क्या बोल रहे हो, बीएससी, एनएससी, सीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग जगह क्या क्या हुआ है लिस्टिंग। तो आपको बार बार अपना एनुअल अकाउंट्स वगैरह दिखाना पड़ेगा किसको? सेबी। हमने तो आज तक पढ़ा था एनुअल अकाउंट्स खाली हम लोग को उसको देना पड़ता है, कहां पे? एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह आरओसी के संग फाइल करना पड़ता है, शेयर होल्डर को देना पड़ता है। अगर आप एक कौन हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपका शेयर्स का लिस्टिंग हो रखा है, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी देना पड़ेगा, कंपनी को भी देना पड़ेगा, और ब्रोकर को भी देना पड़ेगा। किसको? सेबी को। तो सेबी कभी भी किसी को भी बुलाकर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? हाँ। सेबी के एज एन एडवाइजर भी एक्ट करता है क्या? हाँ। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है क्या? हाँ। आपको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? करना चाहिए ना इनसाइडर ट्रेडिंग,
क्या होता है, तो नहीं क्यों नहीं करना चाहिए? हु विल टेल मी व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? एकदम अच्छे से बताओगे तो खड़े होकर ठीक से बताओ, बोलो बोलो। नॉट एग्जैक्टली, द फर्स्ट पार्ट वॉज राइट, द नेक्स्ट पार्ट वॉज रॉन्ग। सिट डाउन। एनी वन एल्स? यस टेल मी। यस टू सम एक्सटेंट करेक्ट। यस सुनना ध्यान से, सिट डाउन। मान लो मैं इंफोसिस में काम करती हूं, ठीक है? कल ही इंफोसिस का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होने वाला है शेयर होल्डर को। इस बार बम्पर प्रॉफिट हुआ है, अभी तक ये बात किसी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं है। किसको पता है? खाली डायरेक्टर्स को और इंप्लॉइज को। इंप्लॉइज भी कौन से एम्प्लॉय? जिन लोग कंसर्न है डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट से, समझ में आ रहा है? तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह बनाने में इन्वॉल्व थी, मैं उस डिपार्टमेंट में थी, तो मुझे ये बात पता है कि इन्फोसिस में इस बार बम्पर प्रॉफिट हुआ है। और जैसे ही कल एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होगा ना, इन्फोसिस का शेयर का दाम भागेगा, भयानक वाला, बढ़ जाएगा। इन्फोसिस का अभी प्रेजेंट शेयर प्राइस देखकर बताओ कितना है, गूगल ना शेयर प्राइस कितना है इन्फोसिस का करेंट? वन थ्री, ये करंट प्राइस है इंफोसिस के एक शेयर का। आज आज के दिन में बम्पर प्रॉफिट कमाया है ये। कल जैसे ही पब्लिश होगा ना, इसका जो वैल्यू है 50% बढ़ जाएगा लगभग, यानी इसका वैल्यू लगभग 2000 होने वाला है, शूट अप करने वाला है। अब ये बात मेरे को पता चल गया। अब आपको पता है जिस कंपनी में आप काम करते हो ना, उस कंपनी का शेयर में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो मैं इंफोसिस की इंप्लॉई हूं, अगर मैं ही जाकर खरीद लूंगी तो पता चल ही जाएगा इसको, तो पता ही है ऐसा होने वाला है, जानबूझ के खरीदा शेयर। तो मुझे दिमाग में आइडिया आ रहा है, मेरे खुराफती दिमाग में एक आइडिया है। एक काम करते हैं, कोई रिलेटिव पकड़ते हैं अपना दूर का, या कोई फ्रेंड पकड़ लेते हैं। रिलेटिव पकड़ेंगे तो भी पता चल जाएगा, कोई दूर का दोस्त पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम जो है ना आज 1393.75 में शेयर खरीद ले, लगभग 5 करोड़ रुपया डाल दे मार्केट में, 5 करोड़ का शेयर खरीद ले, और तुरंत कल जैसे ही इसका दाम 2000 होगा ना, तो आपको समझ में आ रहा है 50% गेन से ज्यादा है, यानी कि तुमको कितना का मुनाफा हो जाएगा, 2.5-3 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। कल तुम बेच देना दोबारा। आज तुम और मेरा जो दोस्त है बहुत पैसा वाला है, मैंने उसको बोला तुम खरीद ले, 5 करोड़ तो तेरे लिए क्या बड़ा बात है, खरीद लेना, और कल बेच देना 7.5 करोड़ में, शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, 2.5 करोड़ का मुनाफा होगा, मेरे को 2 दे देना, तुम 50 लाख रख लेना। आइडिया तो मेरा ही है, इंफॉर्मेशन भी मेरा है, या चल 50-50 कर लेंगे, समझ में आया? तो बोला ठीक है कर लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी ऐसा होगा? गारंटी है, नहीं तो तुम जो है मेरे से ले लेना कॉम्पनसेशन। बोला ठीक है, तो कर लिया ऐसा। अब आज इतना बड़ा अमाउंट का शेयर खरीदा है 5 करोड़, और कल तुरंत बेच दिया, कल जैसे ही प्राइस शूट अप होना होना ही है, मैंने बोला ना इतना बम्पर प्रॉफिट हुआ, द मोमेंट एनुअल रिपोर्ट्स आर गोइंग टू गेट पब्लिक शेयर प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। व्हाई? डिमांड बढ़ जाएगा ना, कंपनी इतना प्रॉफिट कमाया है, शेयर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ब्लू चिप कंपनी है, तो अब शेयर का दाम लगभग 2000 हो गया। अब तुरंत ये बंदा क्या किया, बेच दिया। तो इतना बड़ा अमाउंट है, अब ये शक नहीं होगा सेबी को कि यार तुम आज खरीदा है शेयर और कल तुम बेच भी दिया, ऐसा कैसे? बाय डिफॉल्ट तुम करते हो ऐसे, तो कोई रिस्क नहीं है, बट ऐसा कैसे? वो भी इतना बड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट गोज अननोटिस्ड, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, फिर भी आपके लिए मैंने ये बड़ा अमाउंट बोला है, बट ये स्मॉल ही है अभी भी सेबी के सामने। लोग आप समझ में आ रहे हैं, हजार हजार 100-100 करोड़ का ट्रांजेक्शन करते हैं, ये छोटा ही है, ये भी कोई बड़ा नहीं है, तो इसका आप और हायर फिगर समझ लो। मतलब या तो कोई यू नो इसका कोई क्लोज फ्रेंड वगैरह इसको पता चल गया, ये जान के कंप्लेन कर दिया, कोई इसे जलता है कंप्लेन कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। सेबी के नोटिस में डाल दिया कि एक बंदा कल खरीदा आज बेचा, इतना बड़ा अमाउंट का मुनाफा किया है ये, तो उसको शक नहीं होगा कि तुम ऐसा क्या हो गया अचानक से, इन्फोसिस से तुमको प्यार हो गया कि तुम आज खरीद लिया और फिर क्या हो गया, कल बेच भी दिया तुरंत के तुरंत। पक्का तुमको कंपनी का कुछ इनर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस था, तुम कौन है बताओ? बोला आप देख लो, चेक कर लो ना, मैं तो रिलेटेड ही नहीं हूं, मैं तो काम ही नहीं करता हूं, आप मेरा रिलेटिव का लिस्ट निकाल लो, कोई रिलेटिव नहीं है मेरा जो काम कर रहा है इन्फोसिस में, तो हाउ विल आई गेट, दिस इज माई स्पेक्यूलेशन, आई एम द नेक्स्ट बुल, शेयर बुल, वन शेयर बुल हैज डाइड, आई एम द नेक्स्ट शेयर बुल। मतलब मेरे पास बहुत यू नो सिक्स सेंस वगैरह, मैं एनालाइज कर लेता हूं, मुझे पता था ऐसा होगा इस बार। तो अगर सेबी इसको जस्टिफाई नहीं कर सका, सबूत वगैरह नहीं ढूंढ पाया, तो उसको प्रॉफिट उसका जस्टिफाइबल है, लोग तो ऐसा करते ही है, स्पेक्यूलेशन वगैरह तो कर ही सकते हो आप,
शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, लेकिन अगर इसके पीछे कोई सबूत मिल गया कि आपने कोई इनर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये ट्रेडिंग की है, दैट इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड विच इज अ क्राइम इन आईज ऑफ सेबी, और इसके लिए बम्पर पेनल्टी है और जेल भी है, तो अब क्या करेगा? सेबी छोड़ेगा तो है नहीं, अब धीरे धीरे उसका कौन सा पावर इनेक्ट होगा यहाँ पे बताओ? एग्जीक्यूटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा, टीम वगैरह भेजेगा। सबसे पहले तो इसका क्या करेगा, फोन वगैरह टैप करवाएगा या फोन रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करवाएगा, फोन रिकॉर्ड में चेक करवाएगा कि कोई ऐसा नंबर है क्या जो मेरे एम्प्लॉय वगैरह से यू नो रिलेटेड है। पता लगा लिया एम्प्लॉय का नेम, इसका एक फ्रेंड है, समझ में आ रहा है? वो फ्रेंड कहाँ काम करता है? इन्फोसिस। और वो एम्प्लॉय का नाम क्या था? डीए। समझ में आ रहा है? अब फिर इंस्पेक्शन किससे होगा? डीए से पूछा जाएगा, क्या तुमने बताया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो यहाँ आई और सुबह चली गई, मैंने, मेरे कुछ पता ही नहीं है, मेरे को ही नहीं पता है कि इतना प्रॉफिट हो गया है, मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, मेरा बात ही नहीं होता है उससे। कॉल रिकॉर्ड्स निकाला, चेक किया, समझ में आ रहा है? कॉल में मैंने बात ही नहीं किया, कोई सिम वगैरह से बात किया, फेंक दिया उसको। आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस किया गया, इंटरनेट ऑलवेज फॉलोज यू, समझ में आ रहा है? तो कोई ना कोई तरकीब से पता लगा लिया जाएगा, अनलेस द यू नो द क्रिमिनल इज वेरी शातिर। बट मैं तो इनोसेंट हूं, मुझे सब इतना थोड़ी आता है, क्राइम कर लिया बट इतना शातिरी से थोड़ी किया होगा, पकड़े ही जाएंगे। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज दैट यू आर बीइंग गिल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड एवरी पार्टी रिलेटेड टू दिस ऑफेंस विल बी सफरिंग फ्रॉम द पेनल्टी। समझ में आया? इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइड इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया, उसके बेसिस में स्टॉक में ट्रेडिंग किया, मुनाफा कमाया जिसके लिए आप हकदार नहीं थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी यू हैव डन ट्रेडिंग, ठीक है, इन कंपनी शेयर, एंड दिस इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन अगर ये जनरली छोटे मोटे अमाउंट का होता है ना, तो आप नहीं पकड़े जाते हो, समझ मारे? और ऐसा करते हैं बहुत सारे इंप्लॉयज। तुम 10-15 हजार का, 20 हजार का मुनाफा कर लोगे तो कोई देखने आएगा क्या तुमको? बट तुम्हारे लिए तो वो भी बहुत है, फ्री में अगर 15-20 हजार रुपया मिल जा रहा है तो अच्छा ही तो है ना उसके लिए। लेकिन ये कब हमें डर लगने लगता है? जब हम लालच क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, हम बोलते हैं कि हम लोग और ज्यादा का करेंगे और ज्यादा का करेंगे, और ऐसा मतलब 10-12 बंदा को एडवाइस दे दिए, 10-12 बंदे से कमीशन ले रहे हैं, तब फिर शक क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट ज्यादा अगर कभी करना ही नहीं है, पहला बात, पकड़े गए तो आपको पता है भयानक वाला पेनल्टी लगेगा। तो ये सब सेबी क्या करता है, अलाउ करता है कि प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिट। तो ये सब क्या हो गया, सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन, ताकि जो कॉमन इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर एक होता है प्राइस रिगिंग, उसको भी इसको अवॉइड करना है सेबी को। व्हाट इज प्राइस रिगिंग? जबरदस्ती का ना शेयर का शॉर्टेज कर दिया जानबूझ के, ताकि शेयर का दाम बढ़ जाए। ये सब कौन करते हैं? शेयर के जो रिसर्चर्स, बिग बुल्स इन लोग होते हैं। आप देखते हो बिग बुल जो बोलेगा सब मार्केट वहीं भागेगा, भले उसको वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। अगर ये शेयर खरीद रहे आप लोग भी शेयर खरीदोगे, ये शेयर बेच रहे आप भी शेयर बेचोगे, समझ में आ रहा है? तो अब जानबूझ के मान लो एक बंदे ने पूरा कंपनी का 80% शेयर खरीद लिया जानबूझ के, उसको होल्ड करने के लिए, स्टॉक करने के लिए। अब शेयर का क्या हो गया? अब सबको लग रहा है ना, ये इतना खरीदा तो हमें भी खरीदना है, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। उसका उसका मेन इंटेंशन क्या था? प्राइस गेन करना, का बेनिफिट उठाना, फ्लक्चुएशन करना शेयर के प्राइस में। तो ये क्या हो रहा है, आर्टिफिशियली प्राइस को, जबकि बढ़ा नहीं है वो। शेयर का दाम कब एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करता है कि बढ़ना चाहिए? जब आपने परफॉर्मेंस ऐसा दिया, एक तरफ कंपनी में एक डीमर्जर कर रहे हैं हम लोग, यूनिट को हटा रहे हैं और देख रहे हैं शेयर का दाम बढ़ रहा है, डज इट जस्टिफाइज इट्स एक्टिविटी? एक तरफ आप कंपनी को छोटा कर रहे हो, बंद कर रहे हो, और दूसरी तरफ उसका प्राइस बढ़ रहा है। उसका प्राइस तो गिरना चाहिए बट प्राइस बढ़ गया आर्टिफिशियल होल्डिंग की वजह से। सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस रिगिंग। तो अगर ये सब कोई करता है ना, तो उसको कौन देखने के लिए खड़ा है? सेबी। तो सेबी क्या क्या चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, या कोई इन्वेस्टर जो उल्टा फुल्टा काम कर रहा है उसको कर रहा है, एडवाइसेस वगैरह भी देता है, ब्रोकर को प्रोटेक्ट करता है, और किसको करता है, इश्यूइंग कंपनी। समझ में आया ये सब सेबी के बारे में? चलो अब इसके ऊपर भी हम लोग देखें डायरेक्टली वहां से नोट्स। तो सेबी क्या है, इज अ वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी इज अ वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट किया है? सेबी। और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट किया है? आरबीआई। सेबी के हेड ऑफिस कहां पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, ठीक है, 1988-1992। स्टैट्यूटरी पावर कब मिला सेबी को? 1992। ऑल्दो सेबी एक्ट वॉज पास बट इट डिड नॉट गेट द पावर, पावर इट गॉट इन विच ईयर? 92, आफ्टर द केस ऑफ हर्षद मेहता, केतन पारेख, द ग्रेटेस्ट स्टॉक स्कैम
वेब सीरीज वगैरह देखो उसके ऊपर, हर्षद मेहता, इट विल बी एन आई ओपनर. व्हाट आर द थ्री पावर ऑफ सेबी? क्वाजी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव. ठीक है, और एक चीज बताओगे, सेबी किन तीन जनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है? कंपनी, ब्रोकर और इन्वेस्टर. अच्छा एक चीज और सुन लो, फिर एक संग दिखा देंगे. अब फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का क्लेम किया गया, सेबी ने मेरे ऊपर पेनल्टी वगैरह इम्पोज कर दिया, जेल भी भेज दिया 5 साल का. ऑल दो ये अभी ऐसा ट्रांजेक्शन मैं जहां बता रही हूं जहां मैं जेन्युइन थी. एक तो मैंने बोला कि हाँ मैंने बताया, बट इन दिस केस आई वॉज जेन्युइन. मैंने अपने फ्रेंड को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताया था, लेकिन तो भी मुझे सेबी ने पनिशमेंट दे दिया. सो कैन आई से एज एन इन्वेस्टर आई एम अग्रीव्ड बाई द ऑर्डर पास बाई सेबी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. तो अब मैं किसको जाके अपना दुखड़ा सुनाऊ? सेबी ने मेरे को गलत केस में फंसा दिया है. आई एम नॉट गिल्टी. सो इन केस इफ आई एम फीलिंग आई एम नॉट गिल्टी, आई ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी टू सैट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. सैट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे. सेबी के अगेंस्ट आप कहां जाओगे? अलग से उसके लिए कोर्ट है सैट. सैट का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. सैट भी जो है ना बेकार निकला. कंफर्म द ऑर्डर पास बाय सेबी. मैंने अपना दुखड़ा सुनाया, बोल रहा नहीं ठीक बोल रहा है सेबी, तुमको जेल जाना चाहिए, तुम गलत हो. अभी भी क्या मेरे को इंसाफ मिला? सेकेंड अपील, ये फर्स्ट अपील था जो मैंने सैट को फाइल किया. सेकेंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी कैन बी फाइल्ड टू सुप्रीम कोर्ट. अब मैं कहां जाऊंगी? सुप्रीम कोर्ट. क्या मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास फर्स्ट अपील लेके जा सकती हूं? ये सीक्वेंस फॉलो करना है. पहला कहां लेके जाओगे? सेबी, सॉरी सैट. सेबी से अग्रीव टू कहां जाओगे? सैट. सेकेंड अपील लेकर कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, तो जेल जाओ और क्या, हवा खाओ जेल का. लास्ट ऑप्शन बचा है रिट पिटीशन, विच इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने पढ़ा हुआ रिट पिटीशन, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, सब पढ़ा है ना. क्या बोलते हैं रिट पिटीशन? क्या बोलते हैं रिट पिटीशन? लास्ट क्या राइट है तुम्हारे पास? कि तुम जाकर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट बोलेगा ना तो फिर सुप्रीम कोर्ट वापस से क्या करेगा? सुनवाई. सो लास्ट ऑप्शन लेफ्ट इज व्हाट? फाइलिंग अ रिट पिटीशन, व्हिच इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो दैट्स इट. ये मैंने एक्स्ट्रा बोला, ये यहां पे था नहीं. लास्ट कहां तक है? सुप्रीम कोर्ट. कोई हार्डली फाइल करता है जाकर रिट पिटीशन वगैरह, ठीक है, बट सिंस दिस इज योर राइट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो इसलिए बता दिया. चलो अब एक बार सेबी यहां से रिवाइज करते हैं. करें क्या? बहुत मजा आएगा. सेबी का जो डिजिटल नोट से और भी अट्रैक्टिव है. देखो सेबी का हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई, बांद्रा. आपको पता है इसके अलावा सेबी का ना चार जगह रीजनल ऑफिस भी है. रीजनल ऑफिस, ईस्टर्न ऑफिस, वेस्टर्न ऑफिस, नॉर्दर्न ऑफिस, साउदर्न ऑफिस. साउथ कहां है? यहां चेन्नई, चेन्नई में होगा. ईस्ट, ईस्टर्न ऑफिस कहां होगा? कोलकाता. वेस्टर्न ऑफिस, चलो देख लेते हैं. ये सेबी का लोगो है, याद रहेगा. कब एस्टैब्लिश किया गया? 1988. लेकिन एक्ट कब पास हुआ? अगर पूछेगा एक्ट कब पास हुआ, 1988 नहीं बोलना है, 1992. सेबी एज अ बॉडी कब एस्टैब्लिश हुआ? 1988. लाइक आरबीआई एक्ट कब पास हुआ? 34. बॉडी कब एस्टैब्लिश हुआ? एक साल बाद. बट यहां उल्टा हो रहा है. सेबी एस्टैब्लिश कब होगी? 88. एक्ट कब पास हुआ? 1992, 30th of January. अच्छा सेबी के पहले पता है कौन था जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता था? सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू. तो बहुत बार पूछते हैं सेबी का प्रेडिसेसर कौन है, तो क्या होगा बताओ? सीसीआई. सीसीआई का फुल फॉर्म क्या? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू. सेबी का हेड ऑफिस बांद्रा. रीजनल ऑफिसेस चेक कर लो. कोलकाता में क्या होगा? ईस्टर्न. साउदर्न कहां होगा? चेन्नई. वेस्ट कहां है? अहमदाबाद. और नॉर्थ क्या हो गया? न्यू दिल्ली. ठीक है, याद हो गया. और मेन ऑफिस कहां है? हेड ऑफिस मुंबई. मुंबई. सेबी को मैनेज कौन करता है? मैंने क्या बोला था? एक चेयरमैन. इसके अलावा सेबी का कॉम्पोजिशन और क्या क्या देख लो. सेबी के अंदर और कौन कौन बैठता है? सेबी बोर्ड में एक तो चेयरमैन बैठता है, ठीक है. उसके अलावा दो और मेंबर्स रहते हैं,
जो कि कौन रहते हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दो मिनिस्टर कहां से आते हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से और एक एडमिनिस्ट्रेशन। एक आरबीआई का भी मेंबर यहां पे बैठता है सेबी में। कौन सा मेंबर बैठेगा आरबीआई का, आरबीआई डिसाइड करेगा। क्या लिखा है, नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। और पांच और मेंबर होते हैं जिसमें से मिनिमम तीन क्या होना चाहिए, होल टाइम मेंबर। यू नो व्हाट इज होल टाइम, फुल्ली दे विल बी लुकिंग एट सेबी ओनली। And obviously they should be a person who will be having knowledge in all these field. अगर आपको market, security market, law, finance, accountancy नहीं आता है तो आप सेबी के board में बैठने के लायक हो क्या? नहीं। और आप क्या पागल होगे तो बैठ जाओगे क्या? तो क्या बोल रहे, he shall be a person of ability, integrity and standing। ऐसा नहीं है कि आप past में terrorist वगैरह रह चुके हो या कोई jail वगैरह को तोड़ के निकले हो, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोला he shall be a person of ability, integrity and standing। लर्न इट, सेबी का कॉम्पोजिशन। एक चेयरपर्सन, दो मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट से, एक आरबीआई का बंदा है, पांच और दूसरे गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, लेकिन तीन कौन होने चाहिए उसमें से, होल टाइम मेंबर। देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आरबीआई से कितने मेंबर होते हैं सेबी में, वन। फुल टाइम मेंबर कितने होने चाहिए? चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, सीजी। क्या है ये सेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने जन के प्रति, क्या क्या? इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी कौन हो गया, कंपनी। इंटरमीडियरीज कौन हो गया, ब्रोकर। इन्वेस्टर यानी हमारे जैसे आम जनता जो रिलायंस का, इन्फोसिस का, सबका शेयर्स खरीद के बैठे हैं। ठीक है, आप किसका शेयर खरीदे हो, ठीक है खरीद देना बाद में। सेबी का तीन पावर मैंने बोला था, क्या क्या, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव में क्या कर रहा है, रेगुलेशन बना रहा है। एग्जीक्यूटिव में क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल में क्या कर रहा है, रूलिंग्स पास कर रहा है। सेबी का पावर क्या बोला था, पढ़ो, टू अप्रूव द लॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को लॉज वगैरह अमेंड करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है, इंस्पेक्ट। किसका, ब्रोकर वगैरह का, बोला था ना ब्रोकर का, क्या और एक नाम इंटरमीडियरी भी बोल सकते हैं क्या, हाँ। या कोई कंपनी को बोलना कि आप अपना शेयर का लिस्टिंग खाली बीएससी में नहीं, एनएससी में भी करो, सीएससी में भी करो। यू नो हु वॉज द एक्स चेयरमैन ऑफ सेबी, अजय त्यागी, ही हैज रिटायर्ड। एंड हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ सेबी, वेरी गुड, शी इज अ लेडी, माधवी पूरी बुच। पहले अजय त्यागी था, अभी माधवी पूरी बुच है। ये पढ़ो क्या लिखा है, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? सेबी से अग्री वो कहां जाओगे, सैट। सैट से अग्री वो कहां जाओगे, सुप्रीम। अब सैट का भी कॉम्पोजिशन मैंने डिटेल में बताया है। अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूं, सिलेबस में आपके नहीं है, सुनना है सुन लो, करंट अफेयर्स में तो कोई सिलेबस ही नहीं है। तो आपको पता है सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, थ्री मेंबर ट्राइब्यूनल, या तीन जज बैठते हैं। इसका हेड कौन है, ही इज अ जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नहीं, ऑब्वियसली वहां से रिटायरमेंट ले लिया। अभी कहां पे है, जस्टिस जेपी देवाधर। छोड़ दो, रहने दो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, खाली जनरल नॉलेज के लिए बताया। यहां तक क्लियर है? अब लिखो अपने कॉपी में सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन सेबी, कुछ कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो लिखवा रहे, लिखो। हेडिंग दो, एक यू नो चार्ट बनाओ, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन टानो, वहां से तीन तो डंडी निकालो। हेडिंग दो फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी हेडिंग दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टानो, तीन तो डंडी निकालो। डंडी समझ में आता है ना, यानी तीन फंक्शन लिखना है। लिखो पॉइंट नंबर वन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, पावर तीन बताया था, क्वाजी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फंक्शन में लिखो, नंबर वन प्रोटेक्टिव फंक्शन, नंबर टू रेगुलेटरी, रेगुलेटरी फिर सेकंड वाला डंडी में। तीन डंडी बनाया ठीक से, पहला डंडी में क्या लिखा, प्रोटेक्टिव, फिर क्या लिखा, रेगुलेटरी, लास्ट डंडी में लिखो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फंक्शन। अब एक एक करके सबका सब पार्ट्स लिखो। सबसे पहले कौन सा फंक्शन लिखा है, प्रोटेक्टिव। ऑल दो मैंने आपको सारे फंक्शन पढ़ा दिए, बट अब एग्जाम में क्या है ना, पूछता है इसमें से कौन सा प्रोटेक्टिव है, कौन सा रेगुलेटरी है,
तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा किस हेड के अंदर है। जैसे मैंने अभी आपको प्राइस रिगिंग बताया था, इनसाइडर ट्रेडिंग बताया था, ये सब सेबी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो ये सब किसके अंदर आएगा, प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्टिव में लिखो पॉइंट नंबर वन, प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स ऑब्लिक चेक्स। प्रोटेक्ट मतलब क्या, चेक कर रहा है, चेक्स। प्राइस रिगिंग, प्राइस रिगिंग, RIGGING, RIGGING। उसी में पॉइंट नंबर टू लिखो, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, कहना इसे, ये सब किसके अंदर लिख रहे हो, प्रोटेक्टिव, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। उसी में लिखो पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस। पॉइंट नंबर फोर, याद है मैंने बोला था कितनी बारी एडवाइजर की तरह भी एक्ट करता है, फिनेंशियल एडवाइजर, फिनेंशियल एडवाइजर, राइट डाउन, फिनेंशियल एडवाइजर ऑब्लिक एजुकेशन प्रोवाइडर, ऑब्लिक एजुकेशन प्रोवाइडर, ऑब्लिक एजुकेशन प्रोवाइडर। हो गया। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन लिखा है, रेगुलेटरी में लिखो पॉइंट नंबर वन, रेगुलेटरी मतलब समझ में आ रहा है, लॉज वगैरह बनाना, अमेंड करना, तो लिखो सेबी ड्राफ्ट्स, सेबी ड्राफ्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके लिए रूल रेगुलेशन बनाएगा, वही तीन आदमी के लिए, तीन आदमी कौन है जानते हो ना, हाँ, तो डॉट 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 लिख लेना। रूल्स किसके लिए बनाएगा, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी, इन्वेस्टर। पॉइंट नंबर टू, कंडक्टिंग, पॉइंट नंबर टू लिखो, कंडक्टिंग इंक्वायरीज ऑब्लिक ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इंक्वायरीज ऑब्लिक ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी एनएससी में पहुंच गया, उन लोग का क्या कर रहा है, इंक्वायरी वगैरह देख रहा है, कोई कोई यहां पे मेल ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है। नंबर थ्री, रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ ब्रोकर, नंबर फोर, रेगुलेट्स द ब्रोकर, ब्रोकर रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ ब्रोकर। नंबर फोर, रेगुलेट्स द टेकिंग ओवर ऑफ कंपनी, टेक ओवर्स वगैरह होते हैं ना, शेयर्स खरीदता है, तो मेजोरिटी शेयर खरीद रहा है तो सेबी देखेगा सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, टेक ओवर्स वगैरह सुनते हो ना, मर्जर टेक ओवर, तो ये सब में सेबी का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है क्या, हाँ, तो स्टॉक एक्सचेंज को देख रहा है वर्किंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, ब्रोकर का देख रहा है, टेक ओवर वगैरह कौन करता है, कंपनीज करता है, तो कंपनी को देख रहा है इन शॉर्ट, और नॉर्मली जो रूल्स रेगुलेशंस बनाना है, अमेंड करना है, वो सब देख रहा है, तो ये लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में हो गया। थर्ड लिखो, लास्ट क्या बचा, डेवलपमेंटल लिखो। नंबर वन, नंबर वन, याद है मैंने बोला था कि इन लोगों को ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा ना, कि कैसे ब्रोकर को काम करना है, नहीं करना है, कमीशन कितना चार्ज करना है, तो लिखो ट्रेनिंग द ब्रोकर्स, ट्रेनिंग द ब्रोकर्स। नंबर टू, मेकिंग अंडरराइटिंग, मेकिंग अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एज एन ऑप्शन, मेकिंग अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एज एन ऑप्शन। यू नो व्हाट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, अभी बोला ना नया कंपनी है, इसका शेयर बिक नहीं रहा, तो बिकवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रोकर वगैरह हायर करना होता है ना, तो ये आपका डिस्क्रिशन है, क्योंकि ब्रोकर हायर करोगे तो क्या लगेगा, पैसा वगैरह, तो वो आपका कॉल है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए क्या बोला सेबी, इसको क्या कर दिया है, ऑप्शनल। पॉइंट नंबर थ्री, आजकल ट्रेडिंग कैसे होता है, फिजिकली कि इलेक्ट्रॉनिकली, तो वही बोल रहा है, मेकिंग द ट्रेडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मेकिंग द ट्रेडिंग डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। सुनो आप ध्यान से, ये सब पढ़ो तो एक बार, यही सब तो हम लोग अभी डिस्कस किए, देखो ये पढ़ा था तुम लोगों ने, एक बार दोबारा पढ़ो तो अब ध्यान से सुनना, यही सब फंक्शन ऑफ सेबी है, ये पावर नहीं है। पावर में क्या बोलोगे, यहां पे देखो ये फंक्शन उल्टा लिख दिया है, यहां पावर नहीं है, ये क्या है मेरे को बताओ, पावर, पावर पूछेगा तो क्या होगा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, और फंक्शन पूछेगा तो क्या बोलोगे, प्रोटेक्टिव
डेवलपमेंटल और एक रेगुलेटरी, ठीक है। और एक ऐसे ही लिख लो नोट्स में अलग से, इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग क्या होता है लिखवा देते, क्योंकि वो नोट्स में है नहीं। राइट डाउन, सबसे पहले क्या लिखोगे, इनसाइडर ट्रेडिंग लिखोगे, लिखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ डीलिंग इन टू, द एक्ट ACT, द एक्ट ऑफ डीलिंग इन टू शेयर्स ऑफ द कंपनी, द एक्ट ऑफ डीलिंग इन टू शेयर्स ऑफ द कंपनी, ब्रैकेट में लिखोगे बाई और सेल, ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड, क्यों बोल रहे समझ गए ना, पब्लिश होने के बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोला, अनपब्लिश्ड PSI, PSI का फुल फॉर्म क्या, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड, इसको बाद में बड़े जब होगे ना तो आप PSI बोलोगे, PSI क्या है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बाई दी इनसाइडर, इनसाइडर कौन हो सकता है, हाँ ब्रैकेट में लिख लो, इनसाइडर कैन बी डायरेक्टर्स ऑल्सो ना, उनको भी तो पता होगा क्या हो रहा है, इनसाइडर ब्रैकेट में डायरेक्टर, इंप्लॉइज, प्रमोटर्स, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। दिस इज अ क्राइम इन आईज ऑफ सेबी, दिस इज अ क्राइम इन आईज ऑफ सेबी, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पेनल्टी पढ़ो खाली, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख, भले ही आप मुनाफा 10,000 का किया अगर पकड़े गए तो मिनिमम पेनल्टी कितना का है, 10 लाख, इट में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपी और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर। अभी 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे ना हम लोग, उसका 3 गुना तुमको पेनल्टी लगेगा, और करो इनसाइडर ट्रेडिंग, और अगर सेबी गंदा है ना तो और एक्सटेंड कर सकता है पेनल्टी, 25 करोड़ भी कर देगा उसके ऊपर है, एक्चुअल पेनल्टी कौन डिसाइड करेगा सेबी, ये सब मैक्सिमम पेनल्टी बताया गया, विच एवर इज क्या बोला है हायर, ठीक है। तो ये सब आप एग्जीक्यूटिव में अलग से आपका सेबी के ऊपर यू नो एक बुक है वो पढ़ोगे, सब्जेक्ट आई मीन सिक्योरिटीज लॉ बोलकर, ठीक है। अभी पेनल्टी वगैरह नहीं पूछेगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव यू नो शोड यू दिस। लिख रहे हो क्या, नेक्स्ट लिखो प्राइस रिगिंग क्या होता है, रिगिंग, अरे ऐसे क्यों बोलो, क्या प्राइस, अभी तो पढ़ाया था प्राइस रिगिंग, अभी पढ़ाया था ना प्राइस रिगिंग, लिखो प्राइस रिगिंग इज एक्ट ऑफ RIGGING, प्राइस रिगिंग इज एक्ट ऑफ, क्या करते हो बताओ, आज तो फिर भी मैंने कम लिखवाया है, घर जाके लिख लेना, ठीक है। इनफैक्ट RBI और सेबी तो पढ़ाया ना, RBI और सेबी का जो नोट दूंगी वो भी क्या कर लेना, एक ही जगह लिख लेना, ठीक है, तो रिविजन भी हो जाएगा। क्या लिखा, प्राइस रिगिंग इज एक्ट ऑफ कॉजिंग अननेचुरल फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ अननेचुरल फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बाई आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक विच लीड्स टू
अनएक्सपेक्टेड विच लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड लॉसेस टू द इन्वेस्टर, विच लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड लॉसेस टू द इन्वेस्टर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस रिगिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, 100% एग्जाम में देखोगे दोनों में से एक क्वेश्चन। समझ में आया क्या बोला मैंने? सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज आरबीआई और सेबी की है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीएलटी एनक्लैट के बारे में पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो अबाउट एमसीए। आई विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे।